हाँ जी चलिए जरा करते हैं। राइट्स ऑफ द ऑडिटर, हाँ जी, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो द ऑडिटर हैज द राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम्स वेदर के प्रायर टू द रजिस्टर्ड ऑफिस और एल्सवेयर। यस, दूसरी बात, ही हैज द राइट टू ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन व्हिच ही डीम्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। आर वी डन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये इलस्ट्रेशन हम स्किप कर सकते हैं। पहली राइट हमारी हो गई है, ये सिर्फ पढ़ने वाला एक पॉइंट था। ये वाला पॉइंट देखिएगा, राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग। हाँ जी, राइट टू रिसीव न्योता ऑफ शादी, राइट नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग एंड राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। हाँ जी, जरा सामने देखिएगा, इन बॉक्सेस को सिर्फ देखिए, इसके नीचे दी गई इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दीजिए अभी के लिए। तीन बातें दे रखी हैं। पहली बात, राइट टू रिसीव ऑल नोटिसेस। क्या हुआ क्या हुआ, ले लो, उसमें क्या है, ऑप्शन एक ही है, ले लो। और क्या, राइट टू रिसीव ऑल नोटिसेस एंड कम्युनिकेशन। दूसरी बात, राइट टू अटेंड एंड राइट टू बी हर्ड एट द जनरल मीटिंग। बट हेडिंग में तो सिर्फ दो ही बातें आ रही हैं। एंड में क्या, एंड, हाँ नहीं, फिर तो प्रॉक्सी के लिए भी तो लिखा होता है कि ही के नॉट स्पीक। तो क्यों, रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकता? जा सकता है, आप दूसरी एजीएम में गए हुए हो या आप घूमने गए हुए हो, आपका रिप्रेजेंटेटिव चला गया। मैंने ये पूछा बेटा कि ये तीनों बातें हैं लेकिन हेडिंग में सिर्फ दो ही बात है, राइट टू रिसीव नोटिस एंड राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। राइट टू स्पीक वाली बात तो हेडिंग में नहीं है, वही बात ही बोल रहे ना, वही तो सेम बात ही बोल रहे हैं, लेकिन कई जगह तो प्रोविजन लिखा होता है ना। फ्रेंड्स, कुछ बात शायद आपको पता हो, जो हेडिंग ऑफ द सेक्शन होती है दे आर नोन एज साइड नोट्स, दे आर नोन एज साइड नोट्स एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट। यस, they are not part of the act. Yes, so prove it. Yes, here is the proof. Friends, जब आप कोई आंसर लिखते हैं, लंबा सा कोई आंसर होता है, तो पॉइंट वाइज बनाते हो, उसकी हेडिंग्स डालते हो सूटेबल, जो कि पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दे इन शॉर्ट। बट क्या ये पॉसिबल है कि वो सिर्फ एक हेडिंग में सब कुछ ही आ जाए, अंदर की बात? तो ऐसे में क्या एप्लीकेबल हो गई, हेडिंग या अंदर का प्रोविजन? अंदर का प्रोविजन। सिमिलरली जो लॉ मेकर है वो इतना लंबा चौड़ा एक्ट लिख रहा है तो हर एक पॉइंट की हेडिंग डाल रहा है, विच बिकम्स द नेम ऑफ द सेक्शन। नाउ इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द हेडिंग ऑफ द सेक्शन एंड द प्रोविजन, व्हाट विल अप्लाई? द प्रोविजन विल अप्लाई। देयर यू आर, समझ गया बात? सो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग यू शुड बी नोइंग। ऑलराइट, सो डेफिनेटली द प्रोविजन विल अप्लाई, पक्की पक्की बात। सो जरूरी नहीं कि हर एक चीज हेडिंग में कवर्ड हो। एक और एग्जांपल देता हूं कहीं और से आपको, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करते हो आप, सेक्शन 68, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ा था कभी? सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? आप तो SCRA पढ़ चुके हो, तो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, राइट? मैं आपसे बात कर रहा हूं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की बात करता हूं आपसे, है ना? नाउ प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीम करे जाते हैं, उनका वैसे ही अलग सेक्शन है, सेक्शन 55, तो वो तो सेक्शन 68 में कवर नहीं होंगे। डिबेंचर्स भी रिडीम होते हैं,
उनका अलग सेक्शन है, वहां पे कवर हो जाएंगे, 71, 72 वगैरह जो चलते हैं। अगला बॉन्ड्स, वो रीपे करे जाते हैं, वो बायबैक नहीं होते, तो तीनों कवर नहीं हुए। तो सिर्फ क्या कवर हुए? इक्विटी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज सेक्शन 68 में, राइट। अब मैं आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन सिखाता हूं, समझाता हूं। सेक्शन 52 पढ़ा था आपने, शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, उसका नाम है शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, जबकि अंदर का प्रोविजन बोल रहा है कि आप अगर कोई सी भी सिक्योरिटी एट अ प्रीमियम इशू करोगे तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालोगे। हेडिंग ऑफ द सेक्शन इज सेइंग शेयर्स और अंदर लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं एट अ प्रीमियम, तो वो पैसा भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही जा रहा है। तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द हेडिंग इन सेक्शन 52 एंड द प्रोविजन। व्हाट विल अप्लाई? प्रोविजन विल अप्लाई। आर यू गेटिंग इट? स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स शादी की तरह है, जनरल मीटिंग एक शादी की तरह होती है, हैं? हाँ, अच्छा, नहीं मानने वाली, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना, पहले क्या होती है, बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? पेरेंट्स। बोर्ड मीटिंग डिस्कशन वोटिंग पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, रिश्ता अप्रूव कर दिया हमने, उसके बाद डेट डेट टाइम प्लेस डिसाइड होती है, उसके बाद न्योता भेजा जाता है नोटिस, जिसे चाय पे बुलाते हैं, TEA, टेक्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड एजेंडा, और फिर क्या हो जाती है? जनरल मीटिंग, जहाँ पे आप क्या करते हो? रेजोल्यूशन पास करते हो, वही वाला SROR वगैरह। तो शादी तो हो गई, जनरल मीटिंग है वो एडजर्न भी तो हो जाती है कई बारी, एडजर्न हो जाती है कई बारी कि नहीं नहीं आ रही, बिल्कुल एडजर्न हो जाती है। तो बताओ अब तो नेशनल हॉलीडे भी हो जाती है, राइट? मोस्टली उसी पे करते हैं, प्रोवाइजो लगा हुआ तो है कि नेशनल हॉलीडे देख लेना, हॉलीडे पड़ रही नहीं पड़ रही। सो भैया, जनरल मीटिंग तो क्या है? एक शादी की तरह है। देखिए, पॉइंट भी आपको इसी तरीके से याद करवा रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा? न्योता आएगा, रिसीव ऑल द नोटिसेस एंड कम्युनिकेशन विच द मेंबर्स आर एंटाइल्ड टू रिसीव, राइट? जो मेंबर्स को जा सकते, दैट मींस जनरल मीटिंग पक्की बात। दूसरी बात, ही कैन अटेंड, जब आया तो जा भी सकता है, राइट? इवन एट द मीटिंग, जहां पे अकाउंट डिस्कस नहीं भी होने। एंड तीसरी बात, राइट ऑफ बींग हर्ड, किन मैटर्स पे? ऑफकोर्स जो मैटर्स उससे रिलेटेड है, पक्की बात। शादी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है, हाँ जी, शादी से रिलेटेड नहीं, हाँ जी, राइट। पता चल रहा है, चिल्ला के बोल रहे, यार ये तो कपल अच्छा नहीं लग रहा, हमने जो रिश्ता बताया था वो ज्यादा अच्छा था, ये बातें थोड़ी ना बोलोगे वहां पे खड़े हो गए। आर यू गेटिंग इट? श्योर। मोस्टली क्या बोलते, यार ये खाना अच्छा नहीं है, राइट? यार लिफाफा ज्यादा का दे दिया, हम लिफाफा ही खाली लेके जाते हैं सर, राइट? ओके, चलिए डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 143, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है ये, दिस इज नॉट अ ड्यूटी। क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक केस स्टडी ICAI का है कि एक कंपनी के AGM में बुलाया था डायरेक्टर्स ने अपने ऑडिटर्स को, उन्होंने अटेंड नहीं करी, उन्होंने ICAI के पास केस फाइल कर दिया, डायरेक्टर्स ने केस फाइल कर दिया ICAI के पास, ट्रिब्यूनल के पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास। तो क्या CA गिल्टी होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज इज राइट, नॉट इज ड्यूटी टू अटेंड द जनरल मीटिंग। अब चाहे वो AGM हो या EGM हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्की बात। तो सेक्शन 146 आप कोट करते हैं, आर वी क्लियर? चले जी, नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आ रहा है बेटा, 143 2। इतना टू क्यों कर रहे हो सर आप? ट्रू एंड फेयर व्यू, दो बातों पे ओपिनियन देना है, वेदर, हाँ जी, बैलेंस शीट के रिगार्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, और दूसरा बताइए PNL एंड कैश फ्लो के रिगार्डिंग, ट्रू एंड फेयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट परफॉर्म, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। 143 2, ट्रू
एंड फेयर व्यू रिगार्डिंग टू मैटर्स. पहला बैलेंस शीट स्टेट ऑफ अफेयर्स और दूसरा पीएनएल एंड कैश फ्लो. आर वी क्लियर? सो ये तो ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट ही आ गया. लियन आप ऑलरेडी कर चुके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में, सो आई स्किप दिस. अब आपके सामने आ रही है ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. दोस्तों ध्यान से करना प्लीज. सर एफ सी, इसका निमोनिक है सर एफ सी, आप देख सकते हैं सर स्क्वायर एफ सी लिखा हुआ आपके पास. नाउ सबसे पहली है ड्यूटी साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. आपको पता है कौन साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट? सिर्फ एक सीए ही साइन कर सकता है. एंड ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट और साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट. क्या मतलब है इसका? ऑडिट रिपोर्ट तो हम साइन ही करेंगे, हम सीए हैं तो हम लोग साइन करेंगे, प्रॉपर सिग्नेचर्स होंगे. दूसरा है साइन और सर्टिफाई, वो सिर्फ गोल्ड स्टैंप लगा देना, सर्टिफिकेशन वर्क. बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट पे हम सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बट ऑडिट रिपोर्ट पे तो हमारे सिग्नेचर्स ही होंगे. याद करिए, कई बार जिन फॉर्म्स में आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनकी जब लीगल रिप्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो आप ठप्पा लगा देते हो, आप ही साइन मार देते हो ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल. सो सर्टिफिकेशन वर्क, यस और नो? जब पेपर फॉर्म में आईसीए के पास डिपॉजिट होते थे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स, तो आप सीए से सर्टिफाई करवाते थे अपने डॉक्यूमेंट्स. तो ऐसी बोल रहे बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह पे साइन भी कर सकते हो या सर्टिफाई भी कर सकते हो. अदर डॉक्यूमेंट्स पे बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह आ जाएगा ना. जनरली बताइए आपकी ऑडिट फॉर्म में आप क्या करते हो? क्या आपके जो प्रिंसिपल है वो साइन करते हैं या सिर्फ ठप्पे गोल गोल स्टैंप लग जाती है सिर्फ, या वो पूरे वाली लगती है फॉर दिस एंड दिस एसोसिएट्स, सिर्फ गोल वाली स्टैंप लगाते हो? सर्टिफिकेशन है वो. क्यों? व्हाई? यूजर को तो नहीं पता ना किसकी ड्यूटी क्या बनती है. तो बैलेंस शीट पीएनएल पे तो कौन साइन करता है वैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन वगैरह, उनके सिग्नेचर्स और कंपनी की स्टैंप लगेगी. इस वजह से टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑडिटर सिर्फ अपनी सर्टिफिकेशन करते, गोल्ड स्टैंप लगाते हैं सिर्फ, वहां पे फॉर्म वाली पूरी स्टैंप नहीं लगाते. आर वी क्लियर? ऑल्दो दे हैव एन ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है वो यहां पे अवेलेबल है. तो कंपनीज एक्ट में कहां पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है? 145 में. आर वी क्लियर? बट ऑडिट रिपोर्ट में तो कंपलसरी आपने साइन करना ही करना है. आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आएगा. आर वी क्लियर? डन है? एनी डाउट? पक्का कोई डाउट है पूछो. बैलेंस शीट आप साइन नहीं करते, आपकी ड्यूटी ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते. सर्टिफाई करते हो आप ना, वो तभी बोल रहे हैं ऑप्शन है साइन और सर्टिफाई. जनरली आप क्या करोगे? देखिए साइन और एक बार बताइए, सर्टिफिकेशन और साइन में फर्क है? फुल सिग्नेचर और शॉर्ट सिग्नेचर, इनिशियल्स. तो इनिशियल्स करे और गोल्ड स्टैंप लगा दी, कायदे से ये होना चाहिए. क्यों? वाई? क्या बैलेंस शीट एंड पीएनएल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की? पक्की बात? तो जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही साइन करें, हम तो सिर्फ सर्टिफाई करेंगे उसको, देखा जाए. एक सेकेंड, बैंक का ऑडिट आप करते हो तो उसमें आप करते क्या? वो सर्टिफिकेशन ही मानी जाती है, ऑडिट रिपोर्ट पे ही साइन होते हैं. जितनी भी जगह आप इनिशियल्स करते हो, स्टैंप लगा देते हो, वो सब क्या मानी जाती है? सर्टिफिकेशन. बिकॉज दोज डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, नॉट बाय अस. आर वी क्लियर बेटा? सो देयर यू आर, डन. तो इनिशियल्स भी कर सकते हो और फुल सिग्नेचर्स भी कर सकते हैं. बेटर क्या है? इनिशियल्स करना, यूजर को गलत इंटरप्रिटेशन ना मिले ना. ऑलवेज राइट, डोंट यूज द फर्म, नेवर. ओके, अगली बात, क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द कंपनी शैल बी रेड आउट इन द जनरल मीटिंग एंड शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन. आपको पता ही कि जो रिपोर्ट्स वगैरह, ऑडिट एफएस वगैरह होती हैं, वो वहीं पर ही हॉल में रखी हुई होती है. इवन जहाँ पे, आई होप आपने किसी ने एजीएम वगैरह अटेंड करी है कोई? एनीवन? या प्रोसीजर देखा है कभी एजीएम का किस तरीके से होता है? देख, इट इज लाइक जस्ट एंटरिंग अ हॉल. हॉल के बाहर एक रूम जो है रजिस्टर रखा हुआ होता है, जहां पे अटेंडेंस रजिस्टर और प्रॉक्सी फॉर्म्स इकट्ठे करे जाते हैं. तो वहां पे अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह सब कुछ पूरा हो गया,
वैसे ही वहां पे ऑडिटेड बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह के सेट होते हैं, आपकी पूरी रिपोर्ट होती है वहां पे। अब अगर कोई मेंबर पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है। इट इज लाइक कि जहां पे शादी का वेन्यू है उसके बाहर नाम डिस्क्रिप्शन लगी हुई होती है ना, इनकी आज ये हलाल हो रहे हैं आज, सीधी बात है ना, उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसे आप पढ़ सकते हो। सेम पॉइंट, आर वी क्लियर? हाँ जी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ देख भैया, वैसे तो इंडिया कहीं पे भी चले जाओ, अंदर खाना भी खाकर आ जाओ, मेन तो खाना खाने वाली बात है। हाँ चेक करेंगे बिल्कुल, नहीं चेक करेंगे तो भैया वही इंडिया वाला हिसाब कहते हैं, भैया सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, वही बात, बेगानी शादी में अब्दुल्ला। अब एक बार बताओ ना, आप किसी शादी में ऐसे गए हो जिसमें आपका इनविटेशन नहीं था? नहीं, मैं तो गया हूँ, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, नहीं गए हो तो एक बार तो वही है ना, अगर आप गए हुए हो तो कोई पूछता नहीं है ना, वही जना सही नजर है, चल भाई चले। बस वो तो उसको जाने के बाद ही पता लगेगा। बट कैन ही वोट, वो वाली बात है। वोट कब वैलिड माना जाएगा? जब आपका प्रॉक्सी फॉर्म या फिर अटेंडेंस फॉर्म सबमिटेड होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं, वरना तो फायदे नहीं, तो बस खाना खाकर आएगा फिर और क्या। अटेंडेंस स्लिप बात आई होगी ना आपके पास, अटेंडेंस स्लिप और प्रॉक्सी फॉर्म दोनों आए होंगे। हाँ जी हाँ जी, साथ में ले जाए, नहीं लेके जाते वहीं पर ही देते हैं, स्लिप भर दो जी भैया पूरा अपना। आर वी डन? आर वी श्योर? पक्की बात है जी, चलो ध्यान से। सो क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, नंबर वन, एक तो पढ़े जाए, और अगर कोई मेंबर का मिस आउट हो गया है, देर से आया है या भारी खाना वाना खा रहा था, सो भैया इंस्पेक्शन, पक्की बात। नेक्स्ट पॉइंट अब ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं अब ड्यूटीज में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास आई, सर का एस हो गया, ड्यूटी टू साइन दी ऑडिट रिपोर्ट। आई इंक्वायर 143(1), 1 एंड आई सेम, समझे, वन और आई सेम थिंग। सो ड्यूटी टू इंक्वायर ऑन सर्टन मैटर्स, ये आज भी आपके सीए फाइल में भी पूछा जाता है, स्पेशली यहां पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस करूंगा। हां जी, पहली बात, द ऑडिटर हैज द ड्यूटी टू इंक्वायर इन टू द फॉलोइंग मैटर्स एंड रिपोर्ट ओनली इफ एनी गड़बड़ फाउंड, डिस्क्रिपेंसी फाउंड। हां जी, तो जो मैटर्स हमारे सामने छह आ रहे हैं उनकी रिगार्डिंग इंक्वायर करना है, और सिर्फ तभी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है अगर कोई गड़बड़ मिले उनके रिगार्डिंग। पहला मैटर, वेदर द लोन्स एडवांसेस मेड अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड। प्रॉपरली सिक्योर्ड का मतलब द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ लोन्स एडवांसेस गिवन है। जहां पे कंपनी ने लोन्स एडवांसेस दिए हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी, अगेंस्ट सिक्योरिटी देगी कंपनी तो इंडिविजुअल थोड़ी ना है आप, कंपनी लोन एडवांसेस देगी अगर तो सिक्योरिटी लेगी। सो उसकी अगेंस्ट जो सिक्योरिटी ली है इट शुड बी मोर देन द अमाउंट, नॉट इक्वल इवन, इट शुड बी मोर। अगर इक्वल है या लेस है तो हम रिपोर्ट कर देंगे, डिस्क्रिपेंसी मानी जाएगी वो। आर वी क्लियर? सो इट शुड बी मोर। तो अगर आपकी कंपनी है और मैं आपसे 10 लाख का लोन ले रहा हूं अगेंस्ट सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कम से कम कितने लाख की लोगे? 10 लाख से ज्यादा की, पक्की बात, श्योर। अगर आपने 10 लाख की भी सिक्योरिटी ली तो भी आपको ऑडिटर डाल देगा 143(1) में। दूसरी बात, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच सच लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन गिवन आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट रेट कम चार्ज कर लिया आपने मुझसे, किससे कंपेरिजन में, बैंक लेंडिंग रेट या एफडी? आप सेम पैसा अगर बैंक में रख दे तो 9% सपोजिटली आपको मिलता, आपने मेरे को 6% पे दे दिया, क्या कंपनी को नुकसान है या नहीं? यस, अगर ऐसा है सो रिपोर्ट करा जाएगा। टाइम पीरियड फॉर रीपेमेंट, आपने कहा अरे सर आपसे तो अपनी बात है कोई दिक्कत नहीं है, राइट, 6-7 साल 8 साल में रीपे कर देना, नहीं भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहते हो, देयर शुड बी प्रॉपर शेड्यूल और नॉट? Yes, वो देखना होगा। तो फर्स्ट हेड
लोन्स एंड एडवांसेस मेड अगेंस्ट सिक्योरिटी, फर्स्ट हेड ऑफ इंक्वायरी, लोन्स एंड एडवांसेस मेड अगेंस्ट सिक्योरिटी, दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या, वेदर प्रॉपरली सिक्योर, दूसरी बात टर्म्स नॉट प्रेजुडिशियल, प्रेजुडिशियल का मतलब अगेंस्ट द इंटरेस्ट, नुकसानदायी, अगली बात वेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय बुक एंट्रीज, मियरली बाय बुक एंट्रीज आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, हाँ जी प्रोविजन वगैरह की बात हो रही है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, इवन फेक ट्रांजेक्शन, whether they are prejudicial to the interest of the company, provisions overstated, depreciation, doubtful debts वगैरह आपने ज्यादा भी दिखा दिए क्योंकि लिखा ना merely by book entry, तो provision overstated. Second example, are we clear? बेटा दो heads आ गए, पहला head याद करिए, loans and advances made against security, दो question पूछने हमने वहां पे, दो inquiries करनी है, properly secured, दूसरा terms prejudicial. अगर हमें इस पे गड़बड़ नजर आएगी तो रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज रिपोर्ट नहीं करेंगे. दूसरी बात, वेदर एनी बुक एंट्रीज ट्रांजैक्शन शोन मियरली बाय बुक एंट्रीज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, भैया गड़बड़ तरीके से तो आपने बुक एंट्रीज, ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज, एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं, तो प्रोविजन ही तो होता है ऐसा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, नॉन कैश ट्रांजैक्शन. अगला थर्ड पॉइंट, ये इफेक्ट अच्छा है सर, मजा आता है ना, अच्छा एक बार फिर से देखोगे ये लो अच्छा चलो यस ओके. हाँ जी अब जरा ध्यान से सामने, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ये पॉइंट और लैंग्वेज में साथ साथ बोल रहा हूं. वेयर अ कंपनी इज नीदर इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉर अ बैंकिंग कंपनी, वेदर इट हैज सोल्ड इट्स असेट्स कंसिस्टिंग ऑफ shares, debentures or other securities at a price lower than the purchase price. एक बारी रिपीट कर रहा हूं. Where a company is neither a banking company nor an, whether it has sold its assets consisting of shares, debentures or other securities at a price lower than the, that means, पढ़ लिया अच्छे से, मैं चाहूंगा एक बारी अपने नोट्स पे से भी पढ़ लो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं इसके बेसिस पर. हाँ जी पढ़ लिया अच्छी तरह से, कॉन्फिडेंट हो बहुत, क्या बात है, वेरी गुड. हाँ जी एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसने 100 शेयर्स परचेज करे एट रुपीज 200 ईच, एक कंपनी कितने हो गए जी ये 20,000 रुपए पक्का, लेट्स से आज खरीदे, चलो एक डेट मान लेते हैं इस दिन खरीदे, ठीक. नाउ कुछ दिनों बाद मार्केट में थोड़ा सा स्लंप आ गया और इस कंपनी ने 20 नवंबर 2017 को ये 100 शेयर एट रुपीज 80 ईच बेच दिए 8,000 में. क्या ये रिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना रिपोर्ट, फंस गए ना आप जाल में. मैंने आपको बोला था लॉ ध्यान से पढ़ लो, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा, आपने पहली लाइन तो पढ़ना ही भूल गए. ओनली इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड, अगर मार्केट में स्लंप आ रहा है और मैं फर्दर लॉस के अगेंस्ट हेज कर रहा हूं तो फिर क्या ये गलत कर रहा हूं या कंपनी का पैसा और सेव करने की कोशिश कर रहा हूं? मेरे को पता लग रहा है कि भैया आगे और पैसे कम हो सकते हैं तो क्या ये बेचना गलत है? फिर तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये आपके सीए फाइनल का ही क्वेश्चन है,
ये तो आप लिखोगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया, अब आप क्या करोगे इसकी रिगार्डिंग बताइए। वो इसी तरह का आपको केस स्टडी बना के दे देगा कि इस दिन इतने के परचेज करे, इस कंपनी के शेयर्स परचेज करे या सब्सिडरी वगैरह के परचेज कर लिए, राइट, और बाद में मार्केट में स्लंप आने की वजह से शेयर सेल कर दिए। कमेंट। अब 143 वन स्टेट करोगे, सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखोगे, पक्की बात, इससे रिलेटेड डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट स्टेट करोगे और उसमें आप ही पॉइंट लिखोगे कि कोई भी इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है, अज्यूमिंग दिस स्टेप हैज बीन टेकन टू हेज अगेंस्ट फर्दर लॉस टू द कंपनी। एक बार बताइए, तो डिस्क्रिपेंसी कब होती? अगर मार्केट बूम कर रही होती और आप इससे कम पे बेचते तो डिस्क्रिपेंसी होती, तो मैनिपुलेशन होती। यहां पे तो और ना गिर जाए पैसे, और लॉस ना हो जाए, पता चला 50 पे आ गया, अरे यार और लॉस हो गया, तो उससे बचाने के लिए करा, कर तो दिया, ये लिख तो दिया। आर वी क्लियर? आर वी श्योर? फ्रेंड्स, 143(1) में से इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको आएगा, बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले। 143(1) स्टेट करो, गए वो दिन आपके। ओके, चलो जी, आई होप आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करा होगा। अभी वैसे तो शक्ल देख के लग रहा है नहीं, हम पहली बार ही कर रहे हैं, लेकिन अटेम्प्ट तो हम दे चुके। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार अपने यू नो फेलियर्स में भी हंस लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। उससे पहले कोई और हंसे, हम ही हंस लें, बुराई क्या है, बट उससे सीख लें कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी बातें सुनने में। हाँ जी, चलिए वापस आ जाइए। क्या पॉइंट क्लियर है आपको? एनी डाउट इन दिस? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं इसको। यस, ठीक, चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, फोर्थ, चलो ये भी आप बताओ। हाँ जी, ये क्या क्वेश्चन है? वेदर द लोन्स एडवांसेस मेड हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स। क्या है? लोन्स एडवांसेस मेड हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स। दोनों, पहले असेट साइड की बात हो रही है, लाइबिलिटी साइड की? दोनों ही असेट साइड की बात हो रही है, दोनों में फर्क क्या होता है? ना ना, नहीं, दो दो डिस्क्वालिफाई हो गए। अगला अगले कोई ना, हाँ जी, अगला कोई जना, क्या कह रहे हो, रुलाएगा क्या? अच्छा, फिर किसी कंपनी टू कंपनी लोन भी दे सकते हैं, 185 186 पढ़ते ही हो आप, फिर है? मैं बोल देता हूं उससे पहले कि पता चले मैं ही ना भूल जाऊं। हाँ जी, देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लोन्स एडवांसेस के अगेंस्ट सिक्योरिटी होती है, डिपॉजिट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं होती। कंपनी लोन एडवांस देगी तो सिक्योरिटी लेगी, कंपनी दे रही है लोन, और कंपनी अपनी मर्जी से अगर पैसा किसी को दे रही है तो क्या उसको सिक्योरिटी मिलेगी? नहीं, तो डिपॉजिट दे रहे ना फिर तो कंपनी, तो अनसिक्योर्ड होता है डिपॉजिट। अब एक बार बताइए इस बात को, एज एन इन्वेस्टर सोचिए, एज एन इन्वेस्टर आप ज्यादा पैसा असेट साइड पे इन दोनों में से किस में देखना चाहेंगे, लोन्स एडवांसेस मेड में या डिपॉजिट्स में? तो रॉन्ग, आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, नहीं हो गया, रॉन्ग क्लासिफिकेशन हो गया, रॉन्ग रिपोर्टिंग हो सकता है, रॉन्ग प्रोजेक्शन हो सकती हैं। चलिए ठीक है, हाँ जी, ऑडिट करते हैं आप, चेकिंग करते हैं आप इन बातों की, किसी ने लिस्टेड कंपनी वगैरह का ऑडिट किया है? पब्लिक कंपनी का ऑडिट वगैरह तो करा होगा, आई एम श्योर, प्राइवेट कंपनी के तो सभी करते हो ऑडिट, सो डिपॉजिट भी जाते हैं वो अनसिक्योर्ड वाले, उनको फटाफट दिखा देते लोन एडवांस में डिपॉजिट का तो हेड ही नहीं क्रिएट करते आप,
और क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता ये, तो आप कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगते अपने क्लाइंट से। अदरवाइज 143(1) की रिपोर्ट में क्या आएगा ये? ये तो रिपोर्ट होगा। आर वी क्लियर? समझ रहे हैं बात? तो बहुत सोच समझ के, रॉन्ग क्लासिफिकेशन की बात है। मैंने आपको हिंट पहले वाले पॉइंट में दे दी, लोन्स एडवांसेस मेड अगेंस्ट सिक्योरिटी। मैंने हिंट दी थी कि अगर लोन एडवांसेस देती है कंपनी तो अगेंस्ट सिक्योरिटी देती है, वहां पे भी हिंट दी थी। समझ रहे हैं? सो दिस इज एरर ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो आप बहुत पहले बच्चों की तरह पढ़ते थे, एक बार एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ई। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, मैं इसके रिगार्डिंग कुछ पूछ भी नहीं रहा। हाँ जी, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन शोन कहां पर? हाँ जी, ये सबसे कॉमन एग्जांपल आप ऑडिट करते हुए कब देखते हैं? फॉरेन ट्रैवल वगैरह, पर्सनल ट्रैवल को दिखा दिया एज अ बिजनेस ट्रैवल, यस और नो? लास्ट पॉइंट, वेदर द कंपनी हैज इशूड शेयर्स एट फॉर कैश। पहली बात जो हम पूछ रहे हैं, वेदर द कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड और नॉट, पहली बात ये चेक करेंगे। भाई 10 लाख के शेयर इशू करे फॉर कैश, तो क्या वो 10 लाख रुपए पूरे आ गए हैं नहीं आ गए? कहां से पता चलेगा? कैश रजिस्टर में एंटर्ड होंगे, बैंक में होंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अगर आपने करे हैं तो वहां पे एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए होंगे, वहां पे एंट्री होगी, चेक हो जाएगा। दूसरी बात, इफ द कैश हैज नॉट एक्चुअली बीन रिसीव्ड, चाहे पूरा ही नहीं आया अभी तक या पार्शली आया है सिर्फ, सो लिखा हुआ है पोजिशन एज स्टेटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इज नॉट सी आर एम। सो एक तरीके से करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। सी क्या है? करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। कैन आई से इट इज, इट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर यू? अगर 10 लाख में से 6 लाख ही आए हैं मेरे पास, तो मैं 6 लाख ही रिफ्लेक्ट हो रहे हूं बुक्स में, ऐसा ना हो कि बढ़ा के दिखा दूं कि अच्छे 10 लाख आ गए मेरे पास, नहीं। सिंपली ये पॉइंट है, डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी ना, वरना वो आप कैश इन हैंड तो दिखा रहे जी 10 लाख, और एक्चुअल में आपने 6 लाख दिखाए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ये क्या है जी? डिस्क्रिपेंसी, कायदे से हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। फ्रेंड्स 6 पॉइंट है 143(1) में। सबसे पहला हेड था लोन्स एडवांसेस मेड अगेंस्ट सिक्योरिटी, सेकेंड हेड था ट्रांजैक्शन शोन मियरली बाय बुक एंट्रीज, तीसरा पॉइंट, हाँ याद आया, नीदर इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉर अ बैंकिंग कंपनी, फोर्थ लोन्स एडवांसेस मेड शोन एज डिपॉजिट, देन पर्सनल चार्ज टू रेवेन्यू, एंड देन आखिरी में शेयर इशूड फॉर कैश। इन 6 हेड की रिगार्डिंग इंक्वायरी करेंगे और रिपोर्ट करेंगे ओनली अगर कोई गड़बड़ फाउंड है। तो इसमें से मैक्सिमम चार्ज चेंजेस, सॉरी जो चांसेस है आने के, वो कौन सा है पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस करा था? राइट, ध्यान से करना प्लीज। डायरेक्ट आने की देखो चांसेस कम है, आ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन केस स्टडी के फॉर्म में आने के पूरे पूरे चांसेस है ये वाले पॉइंट के। ओके चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट 143(3) हम सबको पता है, 143 सबसेक्शन 3, इसमें अमेंडमेंट आई है इस बारी, वो डीमोनेटाइजेशन वाला, यस और नो? जो 8 नवंबर से आपने आगे तक रिपोर्ट करना है वो ऐड हुआ है वहां पे, राइट? सो ये एक एडिशन जरूर हुई है यहाँ पे। सो FS, ये इसका एक निमोनिक हमने बना रखा है, आपके लिखा भी होगा ABCDE रियो IPL, ABCDE रियो IPL, नजर आ रहे निमोनिक? अच्छा हो सकता है समरी में ना दे, 143 सबसेक्शन 3 मिला, 143 क्या कह रहे हो, मिल गया? अच्छा कंटेंट है, ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट मिल गया है, उसी के नेक्स्ट है। दिखाओ दिखाओ कहाँ पर बेटा, एक सेकेंड, आई जस्ट, अच्छा ओके, ये एक्चुअली रूल 11 ऊपर सिर्फ आ गया और कुछ नहीं। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए प्लीज, ये रहा आपका जहाँ पे पॉइंट खत्म हुआ था, इसी के साथ मैं आपको इस तरीके से ऐड करवा रहा हूँ, ये लीजिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 रेड अलोंग विद रूल 11, ठीक है? इसका निमोनिक है आपका ABCDE रियो
आईपीएल, आईपीएल, ठीक है। सो ये आपका एक निमोनिक है। और एक और पॉइंट छोटा सा जो ऐड हुआ है वो एस है। सो जो इसमें आईपीएलएस कर लीजिए, स्लिप कर लो इसको, निमोनिक आईपीएल की बजाय स्लिप कर दो, स्लिप, SLIP। एस कौन सा है ये मैं आपको बता दूं, जो आपका नया पॉइंट जो ऐड हुआ है, राइट, रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स, जो कैश कितना आपके पास था एज ऑन 8 नवंबर एंड अप टिल 30, हाँ 31 दिसंबर, 30 या 31, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 30th का क्या लॉजिक है? 31st तक पूरा ईयर एंड नहीं, कैलेंडर एंड तक था ना, बस दैट्स इट, तो कोई इश्यू नहीं है। अब जरा बताइए ए क्या है? ए, हाँ जी जरा देखो देखो देखो, हाँ जी, ए, एफ एस टू कंप्लाई विथ एस, पूरा पॉइंट लिख देंगे, एफ एस शैल कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरी बात, बी क्यूब है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी एंड प्रॉपर रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस नॉट विजिटेड। बुआ प्रॉपर मेंटेन हुई हो और ब्रांचेस से रिटर्न्स आ गई हो। अगली बात, एक और भी, वेदर द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143(8) हैज बीन फॉरवर्डेड एंड हाउ ही हैज डेल्ट विद इट इन हिज ओन रिपोर्ट। अगला भी, वेदर द बैलेंस शीट एंड पीएनएल आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। अगला पॉइंट ए बी सी, कमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस हैविंग एडवर्स इफेक्ट, ये आपको ऑडिट रिपोर्ट में देने ही होते हैं, ये आ रहा है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 143(3) अंडर रिविजन चल रहा है। मैंने शायद आपके बाद ये आपसे बात डिस्कस करी थी कि 106 अमेंडमेंट्स आ रही हैं कंपनीज एक्ट में, राइट। अगर आप कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2017 देखेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2017, तो आपको 106 अमेंडमेंट्स नजर आ जाएंगी उसमें, ठीक है। उसमें से एक सेक्शन ये भी है, ठीक है सर, हम अभी इसी अटेम्प्ट में देख रहे हैं सर, ठीक है, हाँ जी, इसी में क्लियर करना है हमने। डी क्या है? वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। बताइए किसके रिगार्डिंग है? पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर के, ये तो आप लॉ में पढ़ते हैं। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करी है या फिर डिविडेंड पे नहीं किया ऑन ड्यू डेट और 1 साल निकल चुका है, तो फिर आप क्या नहीं करोगे? आप किसी और पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर कितने साल के लिए? 5 साल के लिए नहीं बन सकते। क्या सेम पब्लिक कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं? जी हाँ, बट अगर आपका टर्म अभी खत्म हो रहा हो तो फिर रीअपॉइंट नहीं हो सकते ड्यूरिंग दीज 5 ईयर्स। क्या प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक कंपनी सिर्फ लग रहा था 164(2), ठीक है। ये केस स्टडी ध्यान रखिएगा, आपके लॉ के लिए भी इंपॉर्टेंट है 164(2), अलग से केस लॉ आता है वहां पे। आई होप आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 164(2) का। ओके, बी केयरफुल। नाउ ए बी सी डी ई, हाँ जी, ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच इज नेसेसरी फॉर ऑडिट। ए बी सी डी ई हो गया। आर देखिए आपके पास क्या है? रिमार्क्स, रिमार्क्स अपने दे सकते हैं, अपने ईओएम एंड ओएम वाली की बात हो रही है। देन उसके बाद आई, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, आईसी के बारे में बात हो रही है, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, कि क्या आपके हिसाब से एडिक्वेट है या नहीं है, इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपका फेवरेट आ रहा है रियो का ओ, अदर मैटर्स। अदर में आपके पॉइंट्स आ रहे थे स्लिप, जिसमें से मैं पहले आपको आईपीएल करा रहा हूं। आई क्या है? वेदर द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू आईईपीएफ, व्हाट इज आईपीएफ? पक्की बात, कितने टाइम में ट्रांसफर करना होता है दोस्तों? 7 ईयर्स के बाद ट्रांसफर करना होता है। कितने टाइम में? लेकिन थर्टी डेज नहीं बेटा, वो तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 डेज में सेपरेट अकाउंट में डालना होता है, उसके फिर 7 डेज में आपको करना होता है। फिर बताइए 7 ईयर्स के बाद क्या करना होता है? आईपीएफ में ट्रांसफर करना होता है कितने दिनों में? पेनल्टी भी होती है अगर आप उतने टाइम में ट्रांसफर नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं, पेनल्टी भी है 1 करोड़ तक की,
जी हाँ, वो अलग होगी, मैंने देखी नहीं होगी अभी तक। नहीं, हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा जग सूना सूना सा लग रहा है ना? क्या कहते हो सर? वील सी, राइट। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप पे ही छोड़ता हूँ, आप इसको ब्रेक में एक बारी फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये नहीं कि अभी गूगल करना स्टार्ट हो गए आप, नहीं, एंड फाइंड इट आउट। ठीक है, चलिए। खैर, अब आपस में डिस्कशन मत करना, मेरे ख्याल से तो इतना होता है, मेरे ख्याल से इतना होता है, वो सब नहीं, छोड़िए। नाउ अगली बात, प्रोविजन फॉर, हाँ जी, मटेरियल फोर्सिएबल व्हाट लॉसेस, लॉसूट वगैरह कोई फाइल हुआ है तो प्रोविजन एडिक्वेट बनाया गया है या नहीं, पी फॉर प्रोविजन। अगली बात एल, लिटिगेशन वगैरह के रिगार्डिंग, उनका इंपैक्ट वगैरह प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं, आईपीएल। और एक एस जो आपके है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट, स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट, स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजिंग, स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजिंग डिटेल्स ऑफ, हाँ जी, क्या डिटेल्स आएंगी किसकी, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, स्टार लगा के नीचे लिख लो, कोई बात नहीं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, हाँ जी, इन डीमोनेटाइज करेंसी, इन डीमोनेटाइज करेंसी, ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन, ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 8/11/16, 8/11/16 टू 31/12/16, 31/12/16, ये बात और हमें डिस्क्लोज करनी है। आर वी क्लियर? देखिए, अब ये सिर्फ इसी साल के लिए आया है, वैसे फिर हट जाएगा। आपको नहीं लगता कि इनको ये एज अ सर्कुलर ले आना चाहिए था? बस सिंपल बात, सर्कुलर की तरह सिर्फ ले आते, एक्ट में अमेंडमेंट ले आए, फिर बाद में फिर हटा देंगे, हटा देंगे ना उसको, फिर तो फिर ये क्या बात हुई? बड़े जी, मतलब या तो इनकी इंटेंशन हो, नहीं, ये तो आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, आपको अपने घर पे रखी हुई 2000 की गड्डियां नजर आ रही हैं बेसिकली, और क्या। हाँ जी, क्या कहते हो, ये हवा चल रही है ना आजकल की 2000 के नोट भी डीमोनेटाइज होंगे जी? नहीं, अच्छा, नहीं सुनने में आपको, अच्छा चलो, ओके। सो खैर, वैसे ऐसी बात हो रही है, धीरे धीरे 2000 की करेंसी भी विड्रॉ हो जाएगी, बट विदाउट डीमोनेटाइजेशन, राइट, विदाउट डीमोनेटाइजेशन। बट वही है कि बैंक्स को होगा, भैया आप खत्म कर दे जाओ और 500-500 के नोट देते रहो। अच्छा, सही यार, हैं रियली? ओके यार, फिर तो हम सब पैदल ही चलेंगे। हाँ, 38 रुपये कम हो जाएगा मतलब? अरे जीएसटी हटाने की बात, अच्छी बात है यार, जीएसटी लगाने की बात हो जाए तो 38 रुपये। अच्छा, ठीक है, चलो यार, अच्छे, मैं तो कह रहा हूँ बस सस्ता हो जाए किसी भी तरह, जो मर्जी करो, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, बट आपको पता है कि धीरे धीरे पेट्रोल डीजल इनको महंगा करना ही पड़ेगा किसी बारे में, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स लाना चाह रहे हैं। 2022 का इनका टारगेट है 5 साल में कि भैया हमें इलेक्ट्रॉनिक कार्स करनी, मैक्सिमम 2030, राइट। सो दैट इज वाई दे आर प्लानिंग ऑल दिस। दो तीन इसके रीजंस हैं, पहली बात भैया ना ना भैया, पैसा, पॉल्यूशन, इतनी गवर्नमेंट पॉल्यूशन, वो सबसे बोलने वाली बातें होती है, हम सबको पता है। देखिए, बेस्ट पॉलिसी मलेशिया सिंगापुर की, अगर आपको बताओ मलेशिया सिंगापुर अगर आप कहीं गए हो या आपने उनकी पॉलिसी स्टडी करी हो, छोटा सा देश है, 45 किलोमीटर के रेडियस में खत्म हो जाता है, यहां से उड़गांव खत्म। यस फ्रेंड्स, वहां की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एक घर पे एक कार, बस उससे ज्यादा नहीं, चाहे जितने मर्जी मेंबर्स रह रहे हो। और अगर आपको सेकेंड कार लेनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, वो भी रीजन बताओ,
क्यों यहाँ पर सिर्फ पर पर्सन एक कार हो जाए उस पर झगड़ा सही बात इंडियन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाती भाई आप ना देखो जो भी आप बोलो वो आपकी गलती है बट वैसे कह रहे भाई पोल्यूशन हो जा रहा है ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है रोड साइड एक्सप्रेस वे बना देंगे मतलब वहां पे फिराइए ना हो जाओ फिराइए बनेंगे कैसे हो जाएगा कैसे पॉसिबल सो द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कार्स एंड यू नो दे विल बी वेरी इनएक्सपेंसिव इन द बिगनिंग डिमांड सप्लाई खेले इकोनॉमीज ऑफ कॉस्ट हो ही नहीं पाएगा डेफिनेटली बहुत महंगी पड़ रही है कार्स जो कार बाहर अगर 5 लाख की आगे 20 लाख की पड़ रही है आपको इलेक्ट्रॉनिक कार So friends, वही है बाहर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पुश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट को भैया रास्ता बनाओ वर्ल्ड अब उनको कौन सा बनाया बिजली तो है नहीं गाड़ी पीछे रहने के भाई सब तार लगा ले आपके यहाँ ले भाई पावर बैंक है ये ले लगा राइट कैसे करेगी मतलब चल नहीं आ रहा तो पहले इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेटर है भारतीय देश में सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पे लाइट आती है इलेक्ट्रिसिटी है कई देशों ने तो मना कर दिया कि नहीं नहीं हमारा इलेक्ट्रॉनिक आदि के बल में कौन चार्जर लगेंगे यहाँ पे यहाँ पे तो वैसी दीवार लगा देंगे पर उधर मेट्रो की कोई तार लगी चली ले नहीं लगा दे सेवा देंगे बुरी आदत जाएगी सोलर पैनल लगाने में तो पता नहीं कहां पहुंचेंगी गाड़ी हमारी बेटा भाई बहुत मुश्किल हालत है ठीक है अच्छा मूव है सबको अच्छा लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट है चलो ये आपका शॉर्ट गैप अच्छा सा हो गया देखो ऐसी डिस्कशन कर लो जितना मर्जी एंजॉय कर लो कभी नींद नहीं आएगी आइए कारो करते हैं कारो 2016 ही क्लॉजेस है 16 क्लॉजेस हमें पता है इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात होगी सबसे पहले कारो किन पर एप्लीकेबल होता है किन पर एप्लीकेबल किन पर एप्लीकेबल होता है All companies including foreign companies. So, second बात, negative दे रखी है किन पर applicable? नहीं होगा. पहला किस पर applicable नहीं है? शाबाश. अगला. तीसरा. Section 8 companies, licensed companies. अगला. Opposite hand. Small companies. अगली बात. Private limited companies जिनकी paid up capital plus reserves कितना 1 crore से ज्यादा ना हो and loan outstanding वर्मा देखी 1 crore and turnover 10+ crore and है अगर private limited company के केस में 1 limit exceed हो गई तो फिर applicable हो जाएगा एक सेकेंड एक बार कहीं ऊपर लिखा है एनी टाइम ड्यूरिंग द पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व कब देखेंगे एट ईयर एंड लिखा है लोन आउटस्टैंडिंग कब देखेंगे एट एनी टाइम टर्नओवर कब देखते हो आप ईयर एंड देखेंगे सो इसका मतलब है एनी टाइम सिर्फ किसके लिए रहेगा लोन आउटस्टैंडिंग पक्की बात प्लीज इन लिमिट्स आपकी रिवाइज हो चुकी है आपको बता मैंने 25-50 और 5 थी अभी क्या हुई 1, 1 and 10 हो चुकी है तो 25 लाख 50 लाख और 5 crore सब क्या हो चुकी है 1 crore, 1 crore and 10 crore हो चुकी है बिल्कुल पक्की बात है चलो जी सो फ्रेंड्स क्या कुछ गलती हुई होंगे पुरानी लिखी हुई है पुरानी लिख दी होंगे देखो अब तो मतलब मेरे स्टाफ से मुझे पार्टी मिलने वाली है अच्छा आप लोगों को मिलेगी आपकी कोई आपको कोई अगर मिस्टेक मिले तो हमें जरूर बताइएगा हमारा कुछ भला हो जाए वो पार्टी हो जाएगी ठीक है ये रिकॉर्डिंग में तभी जा रहे हैं वहां पे अच्छा चलिए खैर एनी हाउस फ्रेंड्स जरा मुझे बताइए किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन ए ओबीसी स्मॉल कंपनीज प्राइवेट कंपनीज जिनकी टर्नओवर 10 crore देन पेड अप कैपिटल प्लस पक्की बात है बेटा इन पर एप्लीकेबल नहीं है तो एक बात बताइए प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी पर एप्लीकेबल है नहीं प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी पर एप्लीकेबल है या नहीं अनलिमिटेड हुआ है ना
तो उस पर एप्लीकेबल होगा पब्लिक कंपनी होगा एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा होल्डिंग कंपनी में आपको पता है कि पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी पेड अप वाली यस देन बोनस शेयर भी आ जाएंगे वो तो फुली पेड अप होते हैं। अगली बार अमाउंट ओरिजिनली पेड है शेयर्स फॉरफीटेड 10 रुपए का शेयर था 6 रुपए पेड अप था आपने शेयर फॉरफीट कर लिया और रीइशू कर दिया तो 6 रुपए जो पहले फॉरफीट करे थे वो भी तो आएंगे क्योंकि पेड अप तो थे ही वो उनको भी आप पेड अप में इंक्लूड करेंगे। अगली बार डिडक्शन एक्सक्लूजन किनको एक्सक्लूड करके चलेंगे बताइए कॉल जानते और दूसरी बार शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बोलते रिफंड करने वाले मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर ना है तो रिफंड करना पड़ सकता है। चलिए फ्रेंड्स रिजर्व्स आइए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने के लिए रिजर्व आपके पास क्या क्या आएगा बताओ कैपिटल रिजर्व प्लस रीवैल्यूएशन रिजर्व प्लस रेवेन्यू रिजर्व माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट बट ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ हाँ जी भाई सोच के देखिए आपने कैपिटल रिजर्व प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व बड़ा सा प्लस अलग से आ रहा है अलग ब्रैकेट में जो बोल रहा है रेवेन्यू रिजर्व माइनस लॉस के नाम से डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल बट ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ दैट मींस इस ब्रैकेट का मैक्सिमम क्या हो सकता है जीरो हो सकता है आंसर माइनस क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वो ओनली जो जगह से माइनस हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। मोर ओवर लिमिट कौन कंप्यूट कर रहा है ऑडिटर या क्लाइंट ऑडिटर कर रहे हैं ये लिमिट किसने चेक करनी है क्यों चेक करनी है कि क्या उसको 16 प्रोसेस पे भी रिपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं है आर वी क्लियर आर वी श्योर अबाउट इट। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट लोन आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आएंगे। अगली बार बोलो जी चाहे बैंक से हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो भी आएंगे अगली बार बट इंटर कॉर्पोरेट लोन एडवांसेस 185/186 वाले नहीं आएंगे। मुझे बात कही अगर किसी पर्सन से लोन लिया है कंपनी ने तो क्या वो आएगा इंडिविजुअल से लोन लिया कंपनी ने वो आएगा वो जरूर आएगा कहां आएगा कौन से में आएगा ए में आ जाएगा ना सिंपल बात क्यों बी पॉइंट में ध्यान ध्यान से पढ़ रहे हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये नहीं बोला किससे बाकी दोनों तो क्लैरिफिकेटरी है ये इंटरकॉर्पोरेट लोन का एडवांस होता है 185/186 वाला सो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मोड ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है ये तो इंक्लूड नहीं होगा कार्य 2016 टर्नओवर टर्नओवर में क्या इंक्लूड करोगे लिख ले बेटा डाउट मेरे को मतलब डाउट आया था बस लिख ले एक बार बस ओके इंक्लूड्स बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। दूसरी बात कमीशन टू थर्ड पार्टीज शुड नॉट बी डिडक्टेड ये माइनस नहीं करेंगे ग्रॉस लेंगे अब जाके डिडक्ट करना आउट है पहली बात बोलो जी दूसरी बात इनडायरेक्ट टैक्सेस कोई सी भी ये तो मैंने एग्जांपल के लिखे हुए इफ डिडक्टेड एंड क्रेडिट टू अ सेपरेट अकाउंट सो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है अब तो जीएसटी वाला भी सब आ जाएगा। हाँ जी क्यों सेपरेट अकाउंट का नाम बताओ सेपरेट अकाउंट का नाम बताओ सेनवाइट क्रेडिट अकाउंट। अच्छा हाँ अभी तक तो सेनवाइट पढ़ रहे थे आप तो सेनवाइट क्रेडिट अकाउंट चलो तो माइनस करेंगे वो सर अगर एग्जाम में स्पेसिफाई होगा साइलेंट क्वेश्चन तो क्या करोगे बताओ लेस करके दिखाओगे और नोट लिख कराओगे कि अज्यूम्ड
क्रेडिटेड टू हर सेपरेट अकाउंट, ये ट्रीटमेंट करके दिखाना आपने फिर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जरा पहले से माइनस, हमने तो माइनस करना ही करना है, ये रट्टा मार के मना जाना प्लीज। आर वी क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स रिटर्न चाहे किसी भी साल से रिलेटेड हो वो आपने लेस करनी है, चाहे करंट ईयर की हो या पास्ट ईयर्स की हो, कोई से भी पास्ट ईयर की, वो लेस करनी ही करनी है फॉर डिटरमाइनिंग द टर्नओवर। तो तीनों लिमिट्स के लिए तीनों कैलकुलेशंस के मेथड दे रखे हैं, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़। नेक्स्ट, अब आपकी समरी आ रही है, सिंपल सी बात, 1 से 16 पॉइंट है कारों के, ये आपके पास है शायद, नजर आ रहे हैं कारों 2016। चलो जी, सो मैं भी वहीं से सबको आप लोगों के साथ खोल के ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। सो देख लो हाँ जी, मैं इन द मीन टाइम एक बात शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। एक्चुअल में यू नो नाम सतीश, सतीश के बारे में बात शेयर कर रहा हूँ। सतीश जो है सीए कर रहा है, बट ये एक एनजीओ चलाता है, राइट? सीए तो ये कर रहा है लेकिन सतीश एक एनजीओ चलाता है, एंड मतलब एक्चुअल में इसका पर्पस कोई खास सीए एक्चुअली में कोई वो नहीं है कि नहीं सीए करना, अपनी पहचान में सीए कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बंदा बहुत बड़ा काम कर रहा है, हम सबसे ज्यादा बड़ा काम कर रहा है। सतीश कुछ बताना चाहोगे अपने एनजीओ के बारे में? जल्दी से बताओ, शाबाश, आप बताओ जल्दी से बताओ, बहुत बड़ी चीज है। सो अगर हम उसके कोई मीडियम बन सके तो कोई बात नहीं है, टू स्प्रेड द वर्ड अराउंड। यस, आ जाओ यहाँ पर आके बता दो फटाफट, शाबाश, जल्दी से आ जाओ, अपॉर्चुनिटी है फटाफट, ताली तो बजा दो उसके लिए, जब आप खुद से कर रहे हो पूरा काम खुद से कर रहे हो, आ जाओ जाओ, शाबाश, बताओ। जो 16 साल से कम उम्र के हैं उनका आंखों का कैसा भी इलाज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और जो 16 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्स, मतलब ऐसे हाईफाई नहीं, जो सिंपल जो हमारे भी रीजनेबल हो तो करता हूँ। उसके लिए पैसा ये है कि कहते हैं ना, आप एक कदम रखोगे दूसरा कदम अपने आप इनिशिएट होगा, तो कुछ ये नहीं है कि भाई मैं ही अच्छा काम कर रहा हूँ दुनिया में, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उनसे बात बात करी, फिर ऐसे टाइप होने लगा, कारोबार बढ़ता गया बढ़ता गया, बस ऐसे भी लोगों को ऑपरेशन होते थे। तो एक बार इंसिडेंस ये हुआ था कि मैं कभी जब ऑपरेशन कराने जब लोगों से मिलने नहीं जाता था हॉस्पिटल में, तो एक बार मेरे को कुछ काम था हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने कहा सर आप अपने पेशेंट से मिल लीजिए। तो एक्चुअली मैं किसी को भी नहीं जानता था जितने भी वहाँ पेशेंट थे, क्योंकि मेरा क्या होता था कि एक दिन पहले जहाँ हम ऑपरेशन वो करते थे कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो वहाँ तक थोड़ा बहुत मेरी जान पहचान होती थी, उसके बाद वो जाने मैं क्या जानूँ वापस नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा सर आप अपने पेशेंट से मिलिए, जैसे सर के जितना बड़ा होल होगा काफ़ी बड़ा लास्ट से यहाँ तक, तो जैसे मैं गया वहाँ पे तो मैं किसी को जानता नहीं था, मैंने कहा यार इंसेप्टर हो जाएगी, जाने का नहीं आगे वापस आ जाऊँगा। तो जैसे मैं गया तो जितनी जो बूढ़ी होल वगैरह लेटी हुई थी एकदम से खड़ी हुई, मतलब बेड पे ही ऐसे, मतलब ऐसे लेटी नहीं हल्का सर बैठ जाते हैं, तो ऐसे हुई। तो मैं एक के पास मैंने अम्मा ठीक है राजस्थानी लैंग्वेज में बोला मैंने, अम्मा ठीक है, तो उसने मतलब सिर पे ऐसे हाथ रखा, कुछ कुछ बोलने लगी, मेरे को सुन नहीं आया धीरे धीरे, तब बहुत अच्छा लगा मेरे आंखों में उस टाइम आसपास लगे, पर मैं कट लिया वहाँ से तुरंत, मैंने कहा मैं रहूँगा तो फिर थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो अच्छा लगा उस दिन से। पर ये है मैं सीए कर रहा हूँ, पर मेरे को करना और कुछ एक्चुअली लाइफ में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सीए लोग कंट्री में ज़्यादा डिवोट कुछ नहीं करते, और कहने की बात है कि हम सीए फ्रेटर्निटी में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम डिवोट करते हैं, रियल में कोई डिवोट नहीं करते हैं, ये है कि अपना
घर बनने में लगे रहते, तो ये कुछ अलग करना है, उसके लिए प्रोजेक्ट भी सोचा हुआ है, जिसके लिए मेरे को 10-1 सी एस स्टूडेंट चाहिए जो सी बन जाए, उसके बाद करप्शन को खत्म करने की पॉलिसी है हर पास में, बट उसमें मेरे को पास आउट सी एस स्टूडेंट चाहिए होंगे, मतलब उसमें करप्शन खत्म, पर वो ऐसे बंदे होने चाहिए सर जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं रियल, यानी कि जॉबबाजी में आके भाई वो कर ले बस। क्या बात है, ताले यादव भाई जी ने फिर किया, बहुत रियली प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, आ जाओ बैठो यार। सो फ्रेंड्स डेफिनेटली मतलब रियली एक्चुअल लोग तो यही है जिसको कुछ कर जाते हैं और हम लोग सोचते रह जाते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हम किस पैथ पे, तो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए फॉर श्योर फॉर श्योर। चलिए आइए जरा करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक समरी आई हुई है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आई होप यू कैन सी दिस। चलिए तो तीन पार्ट्स आपके पास है, या सो पार्ट्स आ रहे हैं 16 पॉइंट्स है, प्लीज उसको 16 कर लीजिए, 12 लिखा है आपके पास। तो फिक्स एसेट्स, पहली बात प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, पॉइंट वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। आगे बढ़िए, क्या लिखा है प्लीज प्लीज पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मैं आपके सामने में खोलता हूं। हां जी ये देखिए, ये पॉइंट कर सकता है, मैं पॉइंट्स ऐसे देखना चाहूंगा, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन। हां जी याद आ रहा, सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब क्या है, कंडीशन है या लोकेशन है, लोकेशन। सो एफआईआर की बात होगी, फिक्स एसेट रजिस्टर, सो वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल डिटेल्स कंटेनिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन डिटेल्स इन फुल। दूसरी बात, वेदर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स हैज बीन कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी हैज बीन प्रॉपर्ली डेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अ फिजिकल वेरिफिकेशन हो या रेगुलर इंटरवल्स, और अगर कोई अगर डिस्क्रिपेंसी आई थी तो क्या वो सामने बुक्स ऑफ अकाउंट में सही से एडजस्ट करी गई है या नहीं। तीसरा पॉइंट अमेंडमेंट के थ्रू आया, पढ़िए क्या लिखा है, टाइटल डीड्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टाइटल डीड्स की। हां जी, वेदर द टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर इन द नेम ऑफ द कंपनी क्वेश्चन मार्क, इफ नॉट गिव द डिटेल्स। हां जी, कंपनी जिसको ऑडिट कर रहे हैं उसके नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर नहीं है हो सकता है लीज पे काम कर रही हो, सो लीज की डिटेल्स दीजिए, बेनामी प्रॉपर्टी है कुछ कहते हो, यस और नो। सो गणपति बप्पा मोरिया और सबका बीपी है राइट। हाँ जी, बेनामी ट्रांजेक्शन आग की जो बात कर रहे हैं तो इसके थ्रू पता लग जाएगा कुछ डिटेल्स, तो यहां से भी मिल जाएगी, यस और नो। सो तीन बातें फिक्स एसेट्स में, कीवर्ड्स, पहली बात आपकी ओर जब समरी लिखी है कीवर्ड्स की, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, पक्की बात प्रॉपर सिचुएशन डिटेल्स आ गई, एंड बताइए अगला फिजिकल वेरिफिकेशन और रेगुलर इंटरवल्स डिस्क्रिपेंसी प्रॉपर्ली डेट, अगली बात टाइटल डीड्स इन द नेम ऑफ द कंपनी इफ नॉट प्रॉपर डिटेल्स डिस्क्लोज करनी है, पहला पॉइंट हो गया। अगला किसका है, इन्वेंटरीज, सेम पॉइंट आ रहा है, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन हैज बीन कैरिड आउट एट रेगुलर intervals and any discrepancy properly dealt in the books of accounts, तो ये तो B ही यहाँ पे repeat होगा, पक्की बात है। Next point क्या, loans, बात हो रही है loans given or taken from parties in registers, and जी करते जाइए please साथ में focus करिएगा, loans given or taken from parties covered in register maintained under section 189। हाँ जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए आप रजिस्टर कहां मेंटेन करते हैं, अंडर सेक्शन 189। सो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस से लोन लिए हैं दिए गए हैं तो उसके रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, आर्म्स लेंथ प्राइस बेसिकली देखना होता है, सो इस वजह से वहां से चेकिंग करेंगे। अब क्या चेक करना है, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ग्रांट ऑफ लोन, तो पहला तो सिर्फ गिविंग लोन के रिगार्डिंग है, आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। So, अगर कंपनी ने लोन दिया है टू दोस पार्टीज हुआ कवर अंडर 188 वाला, रिलेटेड पार्टीज टू क्लॉज 76, ध्यान से सुनिए, रिलेटिव्स 277 में है और रिलेटेड पार्टीज टू क्लॉज 76 में है सभी है। हां जी, रिलेटिव्स और रिलेटेड पार्टीज में फर्क होता है,
दिल्ली पुलिस आर फेयर पीपल है। हाँ जी, डी डायरेक्टर्स, पी पी गुड मॉर्निंग जी, और ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई। ओके हाँ जी, सो बताइए वापस लाइन हो गया धरती पे, भूगोल पे आप लाया कर रहे हैं। अच्छी, तो बता रही जी क्लास टू में क्या क्या आ रहा है? ये क्या है फिर इसका? अभी तो जरा कार पढ़ा रहे थे। फिर धीरे धीरे आप, फिर आपका जग घूमने लगा नहीं? और सो फ्रेंड्स ध्यान से, हाँ जी बताइए। तू वापस आ रहा दुनिया में, हम लोन्स कर रहे हैं। हम क्लास थ्री में आ रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली पुलिस ऑफ फेयर पीपल, डी इज डायरेक्टर्स, पी इज पार्टनर्स ऑफ डायरेक्टर्स, देन आर इज रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, एफ इज फ्रेंड्स नहीं, फॉर इन विच द डायरेक्टर इज पार्टनर, पक्की बात। एंड उसके पी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इन विच द डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। ये पढ़ा नहीं पढ़ा हुआ आपने? जब याद ही नहीं हो से रिलेटिव और रिलेटिव पार्टी को फर्क फर्क है या नहीं? देयर इज अ फर्क, पक्की बात, श्योर। So, 2 clause 76 पढ़ लेना प्लीज, आज घर जाके प्लीज लिख लो वहां पे 2 clause 76 कंपनी का, उसमें सारे आपको रिलेटेड पार्टीज मिल जाएंगे। 2 clause 77 तो रिलेटिव्स का था, वो हमने देख लिया था उस इंसान को चलता हुआ, सिंगल रेडी टू मिंगल, याद आ रहा है? ओके चलिए वापस आइए। सो अगली बात बेटा, लोन गिवन और टेकन की बात हो रही है। अब अगला वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड payment of interest have been stipulated का मतलब mentioned, and whether the repayments or receipts, अब आ गए ना loans given or taken, दोनों आ गए। और regular, regular का मतलब क्या है? within due date, due time तक हो रहा है payment। अगली बात क्या लिखी हुई है? ये point जब आपने कभी कारो 2000 पुरानी पड़ी होंगी, 2005 थी तो कुछ और हुआ करता था इसी point। अब 2016 के हिसाब से जब आपने प्रैक्टिकली ऑडिट्स करे होंगे तो शायद आपने ये पॉइंट पढ़ लिया होगा। इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू, ओवरड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, ड्यूटी निकल चुकी है, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स आर बीइंग टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। हाँ जी, पहले होता था इफ द ओवरड्यू अमाउंट एक्सीड्स 1 lakh, जो टाइम था वो तो था ही नहीं, वेदर द कंपनी हैज टेकन रीजनेबल स्टेप्स फॉर रिकवरी, पहले ये हुआ करता था। अब क्या है, अमाउंट बढ़ा दिया, डेज कर दिए। इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू, उसके बाद स्टेट द टोटल अमाउंट विच इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। भाई 90 दिन से कुछ भी ज्यादा ओवरड्यू हो गया तो आपको अपनी यहां पर रिपोर्ट करना होगा पक्का। और क्या स्टेप्स लिए फॉर रिकवरी, रीजनेबल स्टेप्स बताइए, रीजनेबल स्टेप्स क्या क्या हुए? रिमाइंडर भेजना, लीगल नोटिस भेजना, बाउंसर मत लिख देना, बाउंसर भेज दिए, तो रिमाइंडर और लीगल नोटिस, जल्दी से जा लॉन्ग जंप मार कर आए भाई। हाँ जी, सो तीन पॉइंट आ गए, बताओ जी पहला कौन सा था? आखिरी में
ऐसा मत करना प्लीज, इतना लिख देना। ओके प्लीज, ये फाइनल वालों से तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, सर क्यों एक्सपेक्ट करते हो सर आप? डोंट कीप द एक्सपेक्टेशन हाई। ओके यस, ये देखो। हाँ जी ओके, आइए देखिए, इंटर कॉर्पोरेट लोन एडवांस अंडर सेक्शन 185 and 186। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सिंपली वेदर लोन्स गारंटी सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स एज पर प्रोविजन 185-186 के दिए गए हैं नहीं, इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल्स। आपको पता ही, लिमिट्स अगर एक्सीड हो जाती है तो फिर क्या पास करना होता है? एसआर या ओआर? पक्की बात? श्योर? कितनी लिमिट है? 100% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल या पेड अप कैपिटल? सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 60% ऑफ सर 60% में ही है वो पेड अप कैपिटल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 100% है सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 100% of security premium है and 60% of paid up capital है, अगर इनसे exceed हो जाए तो क्या करना पड़ता है बताओ? SR pass करना। Sure है आप? Sure है आप? पक्की बात? चलो next। हाँ जी, चार हो गए, फटाफट बताइएगा प्लीज, कार्यक्रम ज्यादा टाइम लगाएंगे, कब तक खत्म करना हम लोगों को? कंपनी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट तो आरबीआई की डायरेक्टर्स कंप्लाई होनी चाहिए। डिपॉजिट से जो सेक्शन है 73, 76 कैपिटल ए भी है, अमेंडमेंट करके जो आया था, यस। साथ में ऑर्डर ऑफ सीएलबी तो हट चुका है तो सीएलबी डिलीट हो जाएगा, बट कार्य 16 में अभी भी मेंशन आ रहा है सीएलबी, तो कुछ कर नहीं सकते। एनसीएलटी देन साथ में बताइए आरबीआई, इनके ऑर्डर्स को अप्लाई करना है, इफ नॉट तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन आपको बतानी होगी। चलिए बताइए मेरे को 5 सेट्स। पहला पांचवा और सिक्स कौन सा है? कॉस्ट कॉस्ट, सबसे बड़ा पॉइंट कॉस्ट कॉस्ट का, ध्यान से पढ़ लो। आई वॉट कैसे डर गए हो? वेदर मेंटेनिंग मतलब साफ पता है कब कार पड़ी थी लास्ट, पता नहीं। हाँ जी, कौन कौन यहाँ पे ऑडिट वगैरह कर रहे हो? स्टैट ऑडिट किसी से करे अभी रिसेंटली? करे तो है, स्टैट ऑडिट करा रहे हो, कारो वाला तो बनाया होगा सर, एज इट इज वो सेट में लग जाती है, पता नहीं रहता। यस नो नॉट एप्लीकेबल कब हो गया? कॉपी पेस्ट, बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था, एने एने कर, नहीं आता नहीं आता, नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, सही बात है बिल्कुल। तो बताओ कार मतलब बिरुदाबाद की रिपोर्ट लग रही है, 3-4 पेज वेस्ट हो रहे हैं, लगा दो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, सही बात है। चलो जी, अब ध्यान से करेगा अगला पॉइंट, एस स्टैट्यूटरी ड्यूज, ससुरी ड्यूज नहीं, स्टैट्यूटरी ड्यूज। हाँ जी, किसी भी लॉ में कोई सा भी एक्ट जो इंडिया में एप्लीकेबल है उसमें जो जो भी ड्यूज हो, मीन किसी भी तरह के टैक्सेस, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, देखिए दो बार में डिवाइडेड है, आपको रिवाइज करवाता तो बिल्कुल ध्यान से करेगा। एक है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज और एक है डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, दो पार्ट में डिवाइडेड है। सो पहली बात करें अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, और ये कह रहे सिंपली बात कि वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, क्वेश्चन मार्क। एक दो के एग्जाम्पल दे दिया आपने, फिर उसके बाद इफ नॉट, अगर नहीं then the arrears जो amount outstanding है as on the balance sheet date for a period exceeding 6 months। मैं चाहूंगा आप सामने से पढ़ लीजिए,
मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सिर्फ अनडिस्प्यूटेड का पॉइंट ही, यहां तक इतना तक की बात पढ़ लीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, मेरे को वो लास्ट डेट बताइए जिसकी ये बात कर रहे हैं। 1st अक्टूबर से पक्का आपका जवाब आया मेहरबान, 1st अक्टूबर। हाँ जी, कोई और बोली लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे? हाउ मेनी अग्रीज विद 1st अक्टूबर? 30 सितंबर। एक और बोली आई है बताइए, 30 सितंबर की बोली आई है, और कोई बोली लगाइए मेहरबान बताइए प्लीज। हाँ जी 29 सितंबर। एक और बोली आई है मेहरबान बताइए, बोली बोली का पता चल रहा है बताइए। हाँ जी पढ़ लो भाई, मेरे चेहरे पे थोड़ा लिखी है जो है, बताओ जी। तुम्हें क्या फायदा है ये कर रहा था, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 31 सितंबर। प्लीज प्लीज बताओ जल्दी बताइए कौन सी डेट। हाउ मेनी से 30th सितंबर? ओके कूल। हाउ मेनी से 1st अक्टूबर? फर्स्ट से पहले। फर्स्ट से पहले 30th से भी अग्री कर रहे हो आप? ओके आप कह रहे 29th। 31 मार्च? आई है 31 मार्च बेटा, वो तो बैलेंस शीट डेट की डेट है। क्या बात है, कहते भाई स्कूल में लगा ले उस खाई में लगा ले, लगा दी थी छलांग लगा दी हमने, ये तो वही बात हो गई है। फ्रेंड्स ध्यान से कह रहे हैं कि अगर बैलेंस शीट डेट पे जो जो अमाउंट ओवर ड्यू है, 31 मार्च बैलेंस शीट डेट है, उस दिन जो अमाउंट ओवर ड्यू है स्टैट्यूटरी ड्यूज का, ड्यू बट नॉट पेड, वो भी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स, जरा अपने प्रैक्टिकल ऑडिट्स पे ध्यान दीजिए। आप स्टैट्यूट ड्यूज के नोट्स बनाते हैं, याद करिए जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो स्टैट्यूट ड्यूज जो अनपेड होते हैं उनको दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं आप, अप टू 6 मंथ्स एंड पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स। सो पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स को यहाँ पे रिपोर्ट में भी डालने के लिए बोल रहे हैं, नंबर वन। अब जब आप बोलते एक्सीडिंग 6 मंथ्स, तो अगर आप बोलते 1st अक्टूबर, तो 1st अक्टूबर को जो ड्यू है वो ओवर ड्यू कब होगा? 2nd अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। अब अगर आप कह रहे 1st अक्टूबर से पहले 30 सितंबर, 30 सितंबर को जो ड्यू है वो ओवर ड्यू कब होगा? 1st अक्टूबर। 1st अक्टूबर से 31st मार्च कितने महीने हुए? 6 महीने हुए। एक्सीड कब हुए? 29 सितंबर। ही वाज बैंग ऑन। जो अमाउंट ड्यू हो 29 सितंबर या उससे पहले ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो ओवरड्यू कब हो जाएगा? 30 सितंबर। लास्ट डेट कम से कम लेके चल सकते हैं 29 सितंबर अगर है, तो उसके बाद ओवरड्यू कब होगा बच्चे? 1st 30th सितंबर को 1 डे प्लस 6 मंथ्स। सो एनी अनडिस्प्यूटेड स्टैचुरी ड्यू जो अनपेड पड़ा हुआ 31 मार्च को भी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स, तो जिसकी मैक्सिमम डेट ड्यू डेट 29 सितंबर तक जा रही हो, ओवर ड्यू कब से हो जाएगा? 30 सितंबर से। सो जो डेट हुई कौन सी? 29 सितंबर हुई। आज भी क्लियर? 29 सितंबर। देखो ना 29 सितंबर को जो ड्यू है वो ओवर ड्यू कब होगा? एक दिन प्लस अक्टूबर से लेकर मार्च 6 महीने, तो 6 मंथ्स प्लस 1 डे कम से कम ही आ गए। जो 30 सितंबर को ड्यू है वो ओवर ड्यू कब होगा?
एक अक्टूबर ओवरड्यू देख रहे हैं कब से हो रहा है, ड्यू नहीं ओवरड्यू लिखा हुआ भी है, इट्स नॉट एक्सटेंट ऑफ एरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग आज की है। सो इसे महीने की डेट निकालने वाली थी, गुड पॉइंट। अगली बात, अगर डिस्प्यूटेड है सो कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और कहां पे चल रहा है केस। अमाउंट इन्वॉल्व इन फोरम, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, ये नोट लिखना इंपॉर्टेंट है। तो कारो में ये 7 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये अलग से पूछ सकते हैं। तो अप टू 6 मंथ्स में आएगा ना सिर्फ, तो उसे कारो में तो नहीं करेंगे ना रिपोर्ट, नेक्स्ट ईयर में देखेंगे वो, तो फिर अगले साल के ईयर में देखेंगे। एक कर दिया तो बात हो गई, मतलब 4 महीने 6 महीने 10 महीने कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया ना, यहाँ से बच जाएंगे। आर वी क्लियर? श्योर दोस्तों? नाउ देखिए मेन वो बात भी कह रहा है, अनडिस्प्यूटेड है, दैट मींस अब खुद ही क्लियर इतना तो देना ही है, फिर भी आप नहीं क्लियर और आधे साल से भी ज्यादा हो गया, तो फिर गवर्नमेंट देखेगी ना क्या एक्शन लेना है, व्हाट आर द रीजंस, हाउ टू रिकवर दिस अमाउंट। अब अगली बात है, ये आपने जरूर नोट लिखना है साथ में, अ मेयर रिप्रेजेंटेशन टू द अथॉरिटीज दैट इज द डिपार्टमेंट डज नॉट बिकम अ डिस्प्यूट। हाँ जी, आपके पास 142(1) का नोटिस आया, रॉन्ग असेसमेंट करी आपने पक्का, अब आप उसके अगेंस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने चले गए आईटीओ को, क्या ये डिस्प्यूट माना जाएगा? नहीं ना, समझते हो ना 142(1), आपने 10,000 निकाला टैक्स, उन्होंने 15,000 निकाल दिया, ये हमारे हिसाब से 15,000 है, हमने उनको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाई थोड़ी सी, हाँ जी देखिए इस हिसाब से होना चाहिए, क्या ये डिस्प्यूट है अभी? नहीं। अगर इस हेयरिंग के बाद डिसाइड नहीं होगा और फिर आप सीआईटी या सीआईटी या अपील दायर के पास जाते हो तब जाके डिस्प्यूट होगा। सो मियर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट इज नॉट अ डिस्प्यूट, इज नॉट अ डिस्प्यूट। आर वी क्लियर? आर वी श्योर? पक्की बात, ये नोट जरूर कराना एग्जाम में, आधे नंबर का एक नोट है अलग से, यस, और आधा नंबर का एक नंबर में कन्वर्ट हो जाए आखिरी में, यू नेवर नो, पता है ना आपको बात है? तो कब 59.5 60 हो जाए कुछ पता नहीं है, श्योर? चलिए फ्रेंड्स, 7H जो है, 7H के नाम में तो ये पहला, सेकेंड, थर्ड, इंटर कॉर्पोरेट लोन एडवांसेस, उसके बाद फिफ्थ एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट, देन सिक्स कैश रिटायर, देन सेवन, एक्सीलेंट, आगे बढ़ेगा, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, पैसे ले रखे बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट वगैरह से, लेकिन वापस हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू डेट्स, या तो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, सो इन द पीरियड एंड द अमाउंट इन्वॉल्व, सो वेदर द कंपनी इज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरोइंग्स टू बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ड्यूज ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, इफ यस द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट शैल बी रिपोर्टेड। श्योर? चलो बेटा, हाफ वे आ गए हम, 16 पॉइंट्स है, 8 हो गए हैं, पहले आप रिवाइज करिए, बताइए एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन एंड एट, फंड्स रेज थ्रू आईपीओ, एफपीओ और टर्म लोन। व्हाट इज आईपीओ? एफपीओ, एनटीए, टर्म लोन, ठीक है। हाँ जी, ये पॉइंट बहुत सिंपल सा था, याद करिए, जो पैसा यूज कर आपने रेज किया है वो उसी पर्पस के लिए यूज करा गया है जिस पर्पस के लिए रेज करा गया है, तो प्रोस्पेक्टस में जो पर्पस लिखा जाता है उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ये चेक करेंगे हम। अगर डिले करी है, डिफॉल्ट करिए, उसको रेक्टिफाई करा गया है, वो सब डिटेल्स भी आप इंक्लूड करते हैं, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। प्लीज सामने देखिए, जब पहले वाला कारो था तो उसमें आईपीओ एफ पो तो था ही नहीं, सिर्फ टर्म लोन हुआ करता था। Whether the money raised through term loan has been used for the purpose
फॉर विच इट हैज बीन रेस्ड। पहले सिर्फ इतना था, फिर मॉडिफाई कर दिया गया आईपीओ एफपीओ। अब इस पे पॉइंट भैया है अप्लाई फॉर द पर्पस, ये तो सेम रखा, बट यहां पे देखिए क्या करा, इफ नॉट, अगर नहीं यूज करा तो फिर आगे बोल रहे थे डिटेल्स टुगेदर विद द डिलेस और द डिफॉल्ट्स। भाई देर कर यूज करने में, लेकिन उसी पर्पस के लिए करी, वो डिटेल दो। दूसरी बात डिफॉल्ट कर दी, यूज ही नहीं कर रहे उस पर्पस के लिए, या कहीं और यूज कर दिया तो दो। अगर बाद में अपनी गलती को सही किया, इसका मतलब क्या, कहीं और यूज कर दिया था और वापस ला के सही जगह यूज कर रहे हैं, तो उसकी भी डिटेल देंगे। तो हमें तीन चीजों की डिटेल देनी है। पहला डिलेस, डिफॉल्ट्स एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, तीनों की डिटेल्स हमें देनी है। स्टूडेंट्स सिर्फ यहां तक लिख कर आते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखते ही नहीं, मैक्सिमम मार्क्स इस वजह से कटते हैं। अगर आप आंसर शीट्स देख लेंगे स्टूडेंट्स की, आप हैरान हो जाएंगे कि कितने ज्यादा इनकम्प्लीट आंसर, आधा आधा लिख कर आते हैं आंसर्स, पॉइंट पूरा लिखते ही नहीं। चल यार इतने में खुश हो जाएगा एग्जामिनर कि रोना चाहते चेक कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। चलिए जी फ्रॉड, फ्रॉड का पॉइंट आप पढ़ेंगे, प्लीज पढ़िए एक बार, जल्दी से, बहुत छोटा सा पॉइंट है। On the company or by the company on its officers or employees, याद करिए इसमें दोनों कमांड हो रहे हैं, on the company और by the company। लेकिन 143(12) में सिर्फ कौन से कमांड होते हैं, 143(12) में by the officers, that is on the company बोल सकते हैं। साथ में बोल रहे हैं the nature of fraud and amount, are we clear? Sure। पहले ऐसा नहीं था, अगर आप कार्य 2005 या 2006 की रिपोर्ट उठा के देखें तो उसमें था whether any fraud had been committed by the company or on the company, internal नहीं था, उसमें दोनों थे। Okay, change हो चुका है। अगली बात managerial remuneration, सर हाँ ये तो हम directors वाले chapter में पढ़ ही रहे होते हैं, उसका जो third part आता है calculation का, profit है नहीं है, कौन से section लगते हैं बताइए, साथ में 197 आए, बाकी वाले शेड्यूल 5 याद आ रहा है, मैनेजरियल रेमुनरेशन अगर एक्सेस दे दी गई है बाय चांस किसी कैलकुलेशन की वजह से, तो क्या वो रिकवर कर ली गई है या नहीं, तो दो बातें चेक करनी है, क्या सही तरीके से कंप्यूट हुई है सेक्शन 197(1) शेड्यूल 5 के हिसाब से, और दूसरी बात अगर बाय चांस गलती से ज्यादा अमाउंट दे दिया गया है तो क्या वो रिकवर करा गया है या नहीं। आर वी डन? नेक्स्ट पॉइंट निधि कंपनी, कौन सी कंपनी, निधि कंपनी कौन सी होती थी, जो सिर्फ चिट फंड की तरह ऑलमोस्ट, जो सिर्फ ने मेंबर्स के लिए काम करती, याद रहे तो कमिटी, किटी पार्टी सबसे सिंपल एग्जांपल है, जो आंटी वंटी नहीं किटी किटी पार्टी घर घर के पता है ना, राइट, तो नहीं होता है, लेकिन वो एक्चुअली में सोशलाइजिंग करने के बहुत अच्छा तरीका है। अग्रवाल जी का लड़का बड़ा हो गया, अच्छा गुप्ता जी की लड़की बड़ी हो गई, अरे चलो जी सो देर यू आर, तो मेरे को ना मतलब बिल्कुल एक जगह ऐसी किटी पार्टीज के लिए लोग रेस्टोरेंट वगैरह में भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सो मी एंड माय वाइफ हैड गॉन टू अ रेस्टोरेंट, वहां पे हम लोग खाना खा रहे थे, हमें लगा था बराबर वाली टेबल पे किटी पार्टी चल रही है, अब वो 15-20 लोग बैठे हुए उनकी किटी पार्टी चल रही है और वो क्या क्या बातें कर रहे, मैंने कहा भगवान यहाँ से चल, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, टेबल चेंज कर लेते हैं, ये ज्वेलरी तुमने कहाँ से ली, मैंने कहा ये ले, अस उसने कहा कितने की ली, दूसरे मैंने तो इतने की ली, ये यार ये क्या बात कर रहे नहीं मैं ये चीज माइंड नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, कि बिकॉज मेरे को लगता है कि जो घर की लेडीज होती है वो एक्चुअली बैकबोन है, टू बी ऑनेस्ट, नहीं मैं डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं होगी बोला, मैं बिल्कुल इस चीज को बहुत ज्यादा मानता हूँ, राइट, सो दे आर द बैकबोन, चाहे वो मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे डॉटर हो, चाहे फेयर वाइफ हो, कोई भी हो, सो इन दैट कैपेसिटी बिल्कुल, तो दे डिजर्व एवरी हैप्पीनेस व्हिच यू कैन गिव देम, जो भी आप दोगे कम है डेली,
तो बट ये जो बातें चल रही थी तो बड़ा मेरे को ऐसा लग रहा यार यहाँ पे खाना क्या बात हो रही है। बड़ी मुश्किल हो जाती है तो वहां से भागना पड़ता है। बट किटी पार्टी की तरह ही मैं आपको किटी पार्टी का एग्जाम्पल क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ वही लोग आपस में चेंज करते हैं पैसा, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डलेगा और वो पैसा चिट से निकाला जाएगा और एक आंटी को मिल जाएगा, मतलब एक मेंबर को मिल जाएगा। सो निधि कंपनी एक तरह का बैंक की तरह काम करेगी। मैं आपको निधि कंपनी की डेफिनेशन सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2003, इट स्टेट्स दैट द कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर प्रमोटिंग द हैबिट ऑफ कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग्स अमंगस्ट इट्स मेंबर्स एंड रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स and giving loan to them, but which functions only for the members. ये point है। So सबको जो किसके लिए करती है? Members के लिए। देखिए याद करना बहुत आसान है। ये मतलब अरे सर को तो ऐसे रटी पड़ी है। सिंपल सी बात, cost cutting करने की बात हो रही, खर्चा कम करो तो उससे क्या होगी? Saving से पैसा कहाँ deposit करो और deposit से loan भी ले सकते। तो bank की तरह एक तरह से operate कर रहे हैं। अब आपको बैंक से सपोजली लोन नहीं मिल रहा तो आप ऐसी निधि कंपनी के मेंबर बन सकते हो, क्योंकि हो सकता है बैंक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर आईटीआई देख के रिजेक्ट कर दे, तो आप उसकी वजह से क्या कर सकते हो? सिंपली बोलो जी, सिंपली निधि कंपनी के पास जाओगे, मेंबर बना लो जी। अब देखिए आपको पॉइंट क्या आ रहा है, मैं आपको क्यों ये एक्सप्लेन कर रहा हूं इस टाइम पर। वेदर द निधि कंपनी has complied with the ratio, एक ratio दे रखा है, क्या लिखा है? Net over funds to deposit ratio, खुद के पैसे और जो deposits आए किससे आए? Members से आए। Does not exceed 1:20। भाई इस कंपनी का नेचर और बिजनेस ही क्या है? Deposits लेना और loans वगैरह देना। Debt equity ratio either way 2:1, but the net own funds to deposit, अपना पैसा equity upon debt की बात कर रहा है, 1:20, तो 10 गुना और अलाउ कर दिया तो 1:20, अब उससे ज्यादा होगा तो खतरनाक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं ये जो आप निधि कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो कहीं इसके पास जो डिपॉजिट आए हैं इसके खुद के पैसे से 20 गुना से भी ज्यादा तो नहीं है? ये बोल रहा है पहली बात, पक्की बात। दूसरा पॉइंट देखिए, वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% फ्री फ्रॉम एनी चार्ज अनएनकंबर्ड डिपॉजिट्स, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज अनएनकंबर्ड, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, क्यों कंबर नहीं लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? अनएनकंबर्ड, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, टर्म डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड इन द निधि रूल्स टू मीट आवर लायबिलिटी। हाँ जी बेटा, आप अगर निधि कंपनी चला रहे हैं कभी भी मेंबर पैसा बोरो करने आ सकता है, तो कुछ पैसा मेरे पास लिक्विड कैश के फॉर्म में होना चाहिए ना, 10% कम से कम होना चाहिए ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, रेडी कैश, ये बोल रहे हैं। तो दो बातें कर रहे हैं, पहला नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो शुड नॉट एक्सीड 1:20। दूसरी बात बताइए, अनएनकंबर्ड डिपॉजिट्स कम से कम कितने होने चाहिए? 10% होने चाहिए एज पर निधि रूल्स। देखिए अगर हमें बात समझ में आ गए ना तो याद करना बहुत आसान हो जाता है, वरना कई बार क्लॉज को अरे यार निधि कंपनी वाला क्लॉज तो बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे हेजिटेंट भी फील करना स्टार्ट हो जाते हैं। जब रिवाइज कर रहे होते हैं वो जो क्लॉज पास आ रहा होता है, अरे लास्ट में छोड़ ही देता हूं। अच्छा लास्ट में मैंने तो छोड़ दिया था, ओके ऑल राइट। ना अगला पॉइंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, हां जी सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टीज, 8-8 जुड़वा जुड़वा। एक बात तो देखो, जितने भी रिलेटिव वाले ना सारे डबल में चल रहे हैं, रिलेटिव्स 277 188 ठीक है या समझ रहे हो ना, बिल्कुल 550, सो डबल डबल चल रहे ऑलमोस्ट।
ठीक है, बट ट्रिपल मत कर देना किसी को, डबल डबल ही चलेंगे। एएस 18 है वो अलग, वो कहां से बनेगा? सेक्शन 188 से बना दो, लिखा हुआ भी है, पॉइंट आप पढ़ोगे रिलीज पार्टी का, पढ़ो जल्दी से, सिंपल है। इसमें सेक्शन 177 की यूज हो रहा है दोस्तों, 177 किसका है? ऑडिट कमिटी का। ऑडिट कमिटी सजेस्ट करेगी ना किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगी। अच्छा ओके, आर्म्स लेंथ प्राइस वगैरह बताएगी, क्या ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है भी या नहीं, क्या ये जो रिश्तेदार है जो हमें ऑफर भी कर रहे हैं गुड्स, ये प्राइस बेस्ट है या इससे अच्छा भी प्राइस मिल सकता है, कभी रिश्तेदार ही आपको खत्म कर दे, सही बात है नहीं? वो डायलॉग हमारे इंडिया में बड़े कॉमन है, ये तो आप है जो हमें प्राइस लगा रहे हैं, इसके दो महीने निकल सकते हैं ना। समझ गया ना बात, वही वाली बात है। तो दोनों तरफ से, सो दैट इज सेक्शन 177 इन्वॉल्व हुआ ऑडिट कमिटी का, कि उनकी सजेशन होगी, और सेक्शन 188 के हिसाब से ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आई होप यू नो 188 किसका है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो साफ बोलता है कि बीआर के थ्रू पास होगा, बट अगर ट्रांजैक्शन सर्टेन लिमिट्स क्रॉस करती है तो एसआर भी पास करना जरूरी होता है, लेकिन एसआर की जरूरत नहीं होती अगर आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रांजैक्शन होती है, ये आपकी प्रोविजोस में दे रखा था, आप ये लॉ में भी पढ़ते हैं शायद, पढ़ते हैं है ना, छोड़ दो नहीं ये देना अच्छी तरह से। ओके नाउ वेयर एप्लीकेबल एंड डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन एफएस एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल, कौन सा एज है? एज 18, 188 से 18 नजर आ रहा है उसमें ऊपर, तो एज 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है इंड एज 24, तो ये भी ढूंढ लेना ठीक है, एक दो चीजें शायद थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए हमें है। अच्छा चलो ठीक है, सीए बन गया ना, अच्छा ओके, तो कोई बात नहीं है ठीक है, क्या हो टेंशन हो ना, एग्जाम में थोड़ा पूछ रहे कि विच इज द कॉरेस्पॉन्डिंग इन डेज, पूछ लिया लगे देखो, इतना डर लगने लगा तो हो गया, सी का एग्जाम दे दिया तो फेल हो जाए, हम इस वजह से एग्जाम ही देते, ऐसा तो नहीं हो रहा, चलो शुक्र है। ऑलराइट नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, 13 पॉइंट हो गए, ओनली 3 टू गो, फोकस, क्योंकि मैं फिर 16 पॉइंट, यस हां जी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन पॉइंट 2 की बात हो रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट याद करिए, वो जो 50-50 लोगों को आप सिर्फ ऑफर देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट की जो बात हो रही है, सो वेदर द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और फुली और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू, क्या कंपनी ने कोई शेयर्स अलॉट किए हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, प्रायोरिटी बेसिस पर किसी को अलॉट किए हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट करियो या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करियो, चाहे फुली कन्वर्टेबल हो या पार्शली कन्वर्टेबल हो, अगर यस सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, सेक्शन 42 किसका है? प्राइवेट प्लेसमेंट का है, किसका है? और आप पढ़ भी चुके हैं वैसे, ओके पता नहीं सर कब पढ़ा होगा, मैं हम बिजी लोग हैं, इतना पढ़ते हैं पता ही नहीं लगता क्या क्या पढ़ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट बार अब अगला पॉइंट आप पढ़िए, एक पॉइंट मैंने पढ़ा, एक पॉइंट आप पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, whether the purpose of which the amount has been raised has been used for the said purpose or not, अगर नहीं तो हम disclosures next पर बोला, non-cash transactions with the directors section 192 में details होती है, so consideration हो रहा कि कोई भी अगर non-cash transaction में, example ऐसे तो non-cash transaction में directors in-kind क्या, for example कुछ गुड वगैरह लेकर आया हो डायरेक्टर, यस, या पुरानी वाली दे रही है उसको दिवाली पे गिफ्ट,
इम्प्लॉइज बहुत सारी कंपनी दे देती है, ये सब लोग क्या बोलती है, ये जो दिवाली के स्कूटर वगैरह फ्लैट वगैरह गिफ्ट कर देते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए अपने पास, केस स्टडी के फॉर्म में आ जाएगा आपके पास ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिखो अपने पास बेटा। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड या फिर न्यू कार स्कूटर्स ऑटोमोबाइल्स फ्लैट्स गिवन इन गिफ्ट्स। So whether the provision of section 192 have been complied. And the last point of car कौन सा है, कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 45 आई 145 आई क्या है, हाँ जी एनबीएफसी की बात करता है अंडर सेक्शन 45 आई ऑफ आरबीआई 45 चार पांच बार ही आई है ना आरबीआई हुआ कुछ चार पांच बार आई ए आरबीआई डिमोनेटाइजेशन के कई बार ही लोग हैं चार पांच बार चार पांच आई समझ गए 45 आई ए ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। देखिए आपको तो वैसे ही आ रहा होगा एनबीएफसी का अलग से चैप्टर ही है, सर हम कहां याद करते सेक्शन तो हम छोड़ देते हैं उनको, हम करेक्शन फुल लगा देते भूल जाओ यहां से। हां जी फ्रेंड्स सिंपल सी बात, क्या जिन कंपनी को रजिस्टर होने की जरूरत थी क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया है या नहीं, 16 पॉइंट्स है और आपके पास 2 मिनट है। डन चले जी, सो जल्दी से रजिस्टर निकाल लीजिए अपने। जहां मर्जी आपकी किताब है जहां लिखना जाए, बस दीवार पे मत लिखियो, जहां मर्जी लिख सकते बच्चे लिखिए प्लीज। 16 पॉइंट से बस आपने हेडिंग्स लिस्ट कर ली है इन ऑर्डर, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्लास चेंज हो गया है ना। हाँ लिखिए 16 जल्दी से, हाँ सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है।
चेक कर लेना ऑर्डर सही है या नहीं. गुड. हाँ जी, तीन ने लिख लिया अभी तक. लेट्स सी, जिन्होंने लिख लिया प्लीज अपना ऑर्डर जरूर सीक्वेंस जरूर चेक कर लीजिएगा बुक से, कोई दिक्कत नहीं है. किसी ने कर लिया दोस्तों? इज योर हैंड्स ओके. गुड. ऑल राइट. सो ओके, 16 पॉइंट्स किसी ने लिखे. ओके गुड. मेजॉरिटी हाउ मेनी हैव बीन? 15. 15 किसी ने लिख लिया. ओके 14. ओके मैं उसे नीचे नहीं पूछ रहा मैं. हाँ जी, तो कुछ पॉइंट्स बीच में मिस हुए. देखिए कई बार ऐसा भी होता है, ये देखिए क्या आपके साथ तो ऐसा हुआ है. मैं यही बात बोल रहा हूं कि एग्जाम में नहीं बनना चाहिए. जब आपको पता हो कि मेरे को याद नहीं आ रही तो पहले नंबरिंग मत करो. कुछ याद आ रहा है तो यूज कर लेंगे ऐसे में, वरना वो आपको बाकी गोले से उड़ा देगा. और डिजाइनिंग तो बहुत अच्छी है. ये क्या लिख रहा था भाई मेरे? क्या ये बोरिंग? ये क्या निधि ऐसे मेरे साइन मार रहा है? निधि आगे क्या? और ये नहीं प्राइवेट तो है मुझे यार. प्लेसमेंट तो करा लो मैं. ये पलाव वलाव पता नहीं क्या लग रहा है. निधि बारह पे. हाँ जी. सो हाँ जी, जरा बताइए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 189, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट, सेवेंथ, एट, नाइन. उसके बाद पब्लिक का फंड लिया, फ्रॉड कर दिया. अगली बार यानी कहां पे दिखा दिया? मानी जी ने रेमुनरेशन में दिखा दिया. उसके बाद या निधि कंपनी में दे दिया. अगला रिश्तेदारों को दे दिया पार्टी. अगला प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू. और अगली बार क्या? और आखिरी में चार पांच गाड़ियां लाइए. आरबीआई एक्ट 1934 पक्की बात. ये 16 क्लॉजेस थे आपके, किसके थे लेकिन ये तो बता दो. सेक्शन 143 सब सेक्शन 11. आई होप यू ऑल नो दैट दीज आर 16 क्लॉजेस. दिस इज एन एनेक्सर टू द मेन रिपोर्ट. कार इज इन ऑर्डर, दिस इज एन एनेक्सर टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट. आर यू क्लियर? चलिए दोस्तों, नाउ 143 11 के साथ ही आपको 143-4 उसके बाद आखिरी में दे रखा है. बहुत छोटा सा पॉइंट है. ड्यूटी टू स्टेट द रीजंस फॉर क्वालिफिकेशन नेगेटिव रिपोर्ट
अगर आप क्वालिफिकेशन देते हो अपनी रिपोर्ट में या एडवर्स रिपोर्ट देते हो या नेगेटिव रिपोर्ट देते हो तो यू हैव टू स्टेट अ रीजंस फॉर सर्च ओपनिंग. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब आपका एक मेजर सेक्शन इस चैप्टर का रहता है, बस वही करने जा रहे हैं. 143-12 और एक और आएगा 148 जो मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है, 143 सबसेक्शन 12 ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स. आइए जरा रिवाइज करते हैं. आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने करा 143-12, तो चलिए इसको रिविजन फॉर्म में करते हैं एक बार. 143-12 इस बारे में था कि ऑडिटर की ड्यूटी थी कि अगर ऑडिट के दौरान उसके सामने कोई फ्रॉड आ जाता है या उसको लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है या होने वाला है ऑन द कंपनी बाय द ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज, दैट मींस इंटरनल फ्रॉड, एंड इफ द अमाउंट एक्सीड्स अ प्रिस्क्राइब लिमिट then it shall be communicated immediately to the CG, Central Government. ये आपका main section बोल रहा था, along with the prescribed form manner. इसका मतलब rules में लेके जा रहा था. Rule 13 of CAR लग रहा था साथ में आपका. 143-12 में 13th rule. Right? ये amend भी हुआ है, proviso भी आया, क्योंकि जब originally 143-12 लगा था तो उसमें था कि जितना भी अमाउंट ऑफ फ्रॉड होगा, चाहे 10 रुपए का भी फ्रॉड होगा, तो भी हम सीजी को रिपोर्ट करेंगे. तो सभी सीएज ने इस बात पे ऑब्जेक्शन करी कि देखिए ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हमारी तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देने की है, आप कह रहे हो फ्रॉड भी सारे रिपोर्ट करो, वो भी सारे के सारे छोटे बड़े जितने भी, बड़ी अजीब सी बात आ जाएगी. गवर्नमेंट भी 10 रुपए के फ्रॉड कितना टाइम लगेगी. तो कुछ चेंजेस भी आए, साथ ही प्रोवाइजो आ गया. प्रोवाइजो आया दैट इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड है, इफ इट इज बिलो द अमाउंट प्रिस्क्राइब, देन बताइए सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना होगा या ऑडिट कमिटी को एज द केस में भी. और उसका प्रोवाइजो, सेकेंड प्रोवाइजो था, प्रोवाइडेड फर्दर दैट The board shall disclose such frauds in the board's report. बताइए कितना amount of fraud की बात कर रहे हैं हम ये? 1 crore से less तक अगर है, 99.99, तो आप सिर्फ board of directors को report करेंगे. और अगर 1 crore से ज्यादा है तो in aggregate और per transaction जो लग रहा है, ये per transaction है, per transaction है, aggregate नहीं है. ओके, तो ये ध्यान रखना है. अब यही पॉइंट्स यहां पे दे रखे हैं. नाउ इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट आपके पास है, ये देखिए. ये पॉइंट्स आपके सामने आने थे. यस, ये दिस इज द सेक्शन दैट वी आर डूइंग. इन केस देयर आर देयर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव That an offense, single offense की बात हो रही है, involving fraud which involves or is expected to involve individually an amount of 1 crore or more is being or has been committed against the company, same language use हो रही थी rule में, shall be communicated to CG immediately within 60 days. जब समय पता लगा. लेकिन इसमें कुछ बातें है. पहले तो कंपनी को ही बताते, कंपनी को कितने टाइम में बताना है, बोर्ड वाले कंपनी को विद इन 2 डेज ऑफ द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड. तो विद इन 2 डेज, ध्यान से देखिए, ही शैल फॉलो द प्रोसीजर, ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू बोर्ड और ऑडिट कमिटी इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज ऑफ द नॉलेज ऑफ फ्रॉड, सीकिंग देयर रिप्लाई विद इन हाउ मेनी डेज, 45 days or less of what? Please आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? The knowledge of fraud. इसका मतलब 43 days है. 2 + 43 days. पक्की बात. अब या तो reply करेंगे या वो reply नहीं करेंगे. अगर reply कर दिया, मैं तो आगे नहीं पढ़ रहा books में. मैं सोच रहा हूँ CG को क्या क्या forward करूँ. पहली बार जो हमारी report जो थे board को दी थी, उसके बाद उनकी रिप्लाई आएगी और उस पर हमारे ये तीनों फॉरवर्ड कर देंगे किसको,
कितने दिन बचे हैं हमारे पास? 15 दिन बचे हैं हमारे पास। ये सीजी को तो विदिन 60 डेज भेजना है, तो 45 वो और 15 यहां। ये देखो जी, ऑन रिसीव फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट देन ऑब्जर्वेशन वगैरह देन कमेंट्स ऑन सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन विद इन 15 डेज। दूसरी बार अगर रिप्लाई नहीं आई तो अपनी रिपोर्ट की कॉपी और एक स्टेटमेंट सीजी को भेज देंगे विद इन 15 डेज। अब सीजी में किसके पास भेजनी है? प्लीज यहां पे थोड़ा सा एक ह्यूमरस पॉइंट भी रहता है, लिखा है रिपोर्ट टू एमसीए। हां जी, यहां पे लिखा जाता है द ऑडिटर शैल सेंड हिज रिपोर्ट टू सेक्रेटरी आईसीए या एमसीए। एमसीए पहली बात तो ये, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स बताइए जल्दी से, सो किसको भेजना है बताइए? टू द सेक्रेटरी एमसीए। क्या भेजना है? लेकिन द ऑडिटर शैल सेंड हिज रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी एमसीए इन अ सील्ड कवर। पक्का? अब अगली बात बोलो जी, क्या क्या भेजोगे? बाय आरपीएडी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और दोनों में से एक, दोनों ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट के, फॉलोड बाय ईमेल। दैट मींस दोनों में से कोई एक मोड, कौन से दोनों में से एक? प्लस इनकम टैक्स रिटर्न का बिल्कुल उल्टा। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते हो, उसके बाद पेपर फाइलिंग भेजते हो बैंगलोर, यहां पे पहले क्या कर रहे हो? क्या आप अपनी आईटी रिटर्न बैंगलोर कोरियर से भेज सकते हो? आपको रजिस्टर्ड पोस्ट एडी से, आरपीएडी या स्पीड पोस्ट से ही भेजना होता है, अनलेस नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड होता है वरना। आर वी क्लियर? सो देयर यू आर। देन सिंपल सी बात, ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर क्या क्या जाएगा बताओ जी? लेटर हेड पे क्या क्या मेंशन हुआ था ऑलरेडी? पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट नंबर एंड साइन बाय द ऑडिटर। फॉर्म नंबर कौन सा बेटा? ADT 4। कौन सा फॉर्म है? ADT 4। आर वी क्लियर? आर वी श्योर? डन है। चलिए, ये तो केस कब हुआ बताइए? जब 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो। अदरवाइज क्या होगा? बोर्ड को, बोर्ड को आप क्या क्या कन्वे करोगे? हाँ जी, आप उसको बताओगे कि हमने कौन सा नाप लिया फ्रॉड, NAAP, एन नेचर ऑफ फ्रॉड, ए अमाउंट इन्वॉल्व, एंड पी पार्टीज इन्वॉल्व। नाप, नेचर ऑफ फ्रॉड किस तरह का फ्रॉड हुआ है जी, देन अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी, इट शैल बी लेस देन 1 CR, एंड पार्टी भैया एम्प्लॉय ऑफिसर कौन है जिस पे हमें शक है, जिसने किया है ये फ्रॉड। उसके बाद बोर्ड अपनी रिपोर्ट में नापा डालेगा NAPA, NAP तो सेम आएंगे, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट, पार्टी इन्वॉल्व एंड रिमीडियल एक्शंस टेकन बाय द बोर्ड और कमिटी। याद करिए ATR जो होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट मैनेजमेंट वगैरह की, तो जो हमने फ्रॉड्स वगैरह बताए थे उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या एक्शंस लिए हैं। आपने ऐसे 450 भी किया हुआ है, Evaluation of misstatements identified during audit. तो जब आप उनको IM identified misstatements communicate करते हैं तो उसके बाद वो कुछ ठीक भी करते हैं। UM बच जाती है आखिरी में, अनकरेक्टेड misstatements। तो वैसे एक यहां पे पॉइंट है कि अगर आपने फ्रॉड्स वगैरह उनको बताए हैं तो उन्होंने क्या एक्शन लिए, इंटरनल कंट्रोल्स में कुछ चेंजेस वेंजेस करे हो। आर वी क्लियर? तो यहां पर आपके पॉइंट खत्म होता है। यहां पर एक बात दे रखी है पेनल्टी की, इंपॉर्टेंट नोट्स का, पहले मैं बी पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको। हम पे कितना अमाउंट लगेगी, पेनल्टी कितनी है? अगर हमने फ्रॉड डिस्क्लोज नहीं किया तो हमारे पे पेनल्टी कितनी है? फ्लैट डिस्काउंट कम से कम 1 लाख का और मैक्सिमम, चलो लेकिन हमारा दुख थोड़ा सा कम करने के लिए हमारे छोटे भाई बहन भी आ गए, अब ठीक है। क्या कहते हो? कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, दैट मींस 143(12) किस पर और एप्लीकेबल है? कॉस्ट अकाउंटेंट पे भी, सीएस पे भी और सीएस पे भी। 1 लाख वो आई गेस एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये हल्की सी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 2016 और 17 के, और जो पब्लिशर है उसका 2010 का है, तो वर्जन में कभी वर्ड्स कंबाइन हो रहे हैं, सो दैट इज द इशू।
सो आई एम सॉरी फॉर दैट. सो 1 लाख से 25 लाख है डेफिनेटली फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है. फाइन, चलिए तो अब ये बात आई होप आपको क्लियर है. नाउ फ्रेंड्स, एक पॉइंट अब आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं. इफ द ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन एनी मैटर अंडर सेक्शन 143(12) इन गुड फेथ, ये आप बताओगे कौन सी ड्यूटी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करी उसने अपनी. लाइन पढ़ लो कौन सी. यस, सही बोल रहे हैं आप. कॉन्फिडेंशियलिटी की बात याद है आपको. ही हैज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. आपको याद है हम लोगों ने 700, 705, 706 किया था अदर मैटर पैराग्राफ कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात भी यहां पे आ जाएगी. आर वी क्लियर, आर वी श्योर. दिस इज 143(12). फ्रेंड्स, सो सर एस आई आर आर हमारा हो चुका. हमने उसके आगे एफ ऑलरेडी कर लिया, फ्रॉड. सी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिंपल सा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी और मैटर स्टेट कर सकती है जिसपे हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा. इसको आप बोलते हैं रेजिडरी क्लॉज. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिडरी. बचा कोचा, कौन सा कोचा, बचा कोचा जो कहीं नहीं आता वो अदर में आता है. सो दिस इज लाइक अदर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई ऑर्डर पास कर दे और उसके थ्रू हमारे ऊपर कोई और ड्यूटी लगा दे कि आपने इस बारे में भी रिपोर्ट करना है. इसके दो एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं, क्या बता सकते हैं कोई. बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है. कारो 2016. डू यू नो कि जब कारो जो कंपनीज एक्ट 2013 जब नोटिफाई हुआ उससे 143(11) मिसिंग था. 143(10) आया और 143(12) था, 11 मिसिंग. हमें पता था कोई गलती हुई है, लेकिन सीएज ने क्या पूछा, क्या कारो पे रिपोर्ट नहीं करना क्या. वैसे फालतू में लगती थी रिपोर्ट, राइट. तो सब ने क्वेश्चन पूछा कि क्या रिपोर्ट नहीं होना. तो फ्रेंड्स, एक साल विदाउट रिपोर्टिंग है. यस, फिर आपका इमीडिएटली कारो 2015 लाया गया जिसमें 12 क्लॉजेस लाए गए. फिर कारो 2016 आपका एक्चुअल रिवाइज है, 16 क्लॉजेस है. जो पहले कारो था 2005 उसमें 21 क्लॉजेस हुआ करते थे, राइट. तो अब वो रिवाइज होके सिर्फ 16 रह गए. तो ये सीजी का ये प्रोविजन है, उसी के बेसिस पे ही तो है कि सीजी के पास पावर है कि वो कोई भी नोटिफाई कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है जिसके थ्रू आप पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स डाल सकती है. आपका दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, जो भी 143(3) में आपको मैंने एस वाला करवाया, डीमोनेटाइजेशन वाला जो आप बोल ही रहे थे, वो वाला पॉइंट भी बाय ऑर्डर इंक्लूड कर दिया. देयर यू आर. चलिए लास्ट पॉइंट, एफसीए का ए, ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. सो ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है शायद कि 143(9) ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बोलता है कि ऑडिटर को क्या कंप्लाई करने है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. और 143(10) ये साफ बोलता है कि सीजी प्रिस्क्राइब करेगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए, बट रिकमेंडेशन किसकी होगी, आईसीएआई की. बनाएगा तो कौन, आईसीएआई की. 143 सबसेक्शन 10. 143 माइनस 10 कितना होता है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अगर मैं सेम प्रोविजन में ऑडिट के बजाय अकाउंटिंग लिख दूं तो डिट्टो आ जाएगा. बिल्कुल सेम लैंग्वेज, सिर्फ ऑडिटिंग के बजाय क्या बोल लूं, अकाउंटिंग. सो अगर आपसे आज की बात कोई पूछे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहां पे नोटिफाइड है, 133 में, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहां पे है, 143 सबसेक्शन 10. आर वी क्लियर, श्योर, कोई डाउट तो नहीं. चलो जी, नाउ फ्रेंड्स, आई होप आपको पता हो कि आज की तारीख में आपके एनएफआरए के प्रोविजन ही बस मेन है. एनएफआरए ही नोटिफाइड होना बाकी बचा है, बाकी सब नोटिफाई हो गया है. यस, आई होप वी आर क्लियर अबाउट इट. कितने सेक्शंस टोटल नोटिफाइड है बताओ, मैंने आपसे डिस्कस भी करे थे, 40 सेक्शंस ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, राइट. ओवरऑल 470 थे, जिनमें से कितने नोटिफाई हो चुके हैं, 4 रह गए सिर्फ.
सिंपल बात, तो 426 सेक्शंस एज ऑन डेट अब एप्लीकेबल है, राइट, जिनमें से आपकी अमेंडमेंट्स ठीक है, श्योर, जो पेंडिंग है, ऑल राइट. खैर ये तो अच्छी बात है ना सीएस के लिए, या ये बुरी बात है? जब तक एक्ट्स में अमेंडमेंट्स आएंगी जब तक सीए जिंदा रहेगा. ये तो वही बात है कि भैया सीए फाइनलिस्ट का मतलब क्या, ये तो वही बात है, सीए फाइनलिस्ट क्लियर हो गया, वो कह दिया मेरा सीए फाइनल क्लियर हो गया, वो ये नहीं बोल रहा मैं सीए हो गया, वो क्या बोल रहा है, मेरा सीए फाइनल क्लियर हो गया. भाई ये बच्चा क्या है. हाँ तो अगर किसी की आर्टिकलशिप बची हो सिर्फ तभी बोल सकता है, इंसान बचा हुआ है बस. सो आदत पड़ चुकी होती है ना, और स्पेशली कौन ही ज्यादा बोलता है जिनके अटेम्प्ट बहुत ज्यादा रह गए होते हैं, सीए फाइनल क्लियर हो गया, आदत पड़ जाती है. खैर बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा मत मानना, पता चला कोई सीढ़ी से धक्का दे दे मेरे को नीचे, अभी कल भी पढ़ाने भाई सर, कल धक्का देंगे आपको, ठीक है. ओके ये देखो, अगर वो भी शाम की चाय के बाद, नामाकूल. अच्छा चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये एक कुछ पार्ट्स ऑलरेडी मैंने आपके समरी में दे दिए हैं, विच आई वुड वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट. मैं इसको एज सच अभी क्लास में नहीं करवा रहा हूँ, ब्रांच वगैरह के रिगार्डिंग है. सो ब्रांच ऑडिट कौन कर सकते हैं, बस इतना बता दो मेरे को, कंफर्म करो ब्रांच ऑडिट कौन कर सकता है, या तो कंपनी का ऑडिटर खुद या फिर कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट. लेकिन अगर ब्रांच बाहर हो, फॉरेन कंट्री, आउटसाइड फॉरेन कंट्री में सिंपली, हाँ जी, तो फिर या तो कंपनी ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट या फिर पर्सन हैविंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री. दो पार्ट्स में कभी भी कंफ्यूजन हो सोच लेना, भारत सरकार हो, आप एम्प्लॉयमेंट किसकी बढ़ाना चाहोगे पहले, इंडियंस की या बाहर वालों की? तो भैया इंडिया में तो सीएजी कर सकते हैं, पक्की बात. दूसरी बात, बाहर भी पहले किसको बचाओगे, इंडियन को ही. मोर ओवर ये ब्रांच है, सब्सिडरी नहीं है, तो इसमें जैसे कंपनी ऑडिटर ही कर सकता है. तो याद करके बताइए, जो डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी आपने 141(3)(g) 20 काउंटिंग जो आप कर रहे थे, क्या ब्रांच सेपरेट काउंट होगी या नहीं? सेपरेट काउंट नहीं होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. आर वी क्लियर? जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हो कोई दिक्कत नहीं है आपको, याद रखना इस बात को. मोर ओवर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करी जाती है? टू द कंपनी ऑडिटर. क्या कंपनी को भी करी जाती है? आपके सामने जरा ध्यान से यहां पर पढ़ लो, कोई बात नहीं. ये देखो, हां जी, ये रूल 12 लिखा हुआ है और ये प्रोवाइजो भी लिखा है, जरा पढ़िए सामने से, पढ़ लो कोई बात नहीं, फिर अपना जवाब दीजिएगा. हाँ जी, सो ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करनी होती है, कंपनी को या कंपनी ऑडिटर को? तो कंपनी को नहीं करनी होती, कहां बोल रहा है, मना कर रहे क्या? लॉ इज साइलेंट. और भाई साहब अगर आप ब्रांच ऑडिटर हो, फीस कहां से मिलेगी, कंपनी ऑडिटर देगा? क्या यहां पे लिखा है द ब्रांच ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट ओनली टू द कंपनी ऑडिटर? ऐसा तो नहीं लिखा यहां पे, लिख क्या कंपनी फीस कौन देगा? आप ब्रांच ऑडिटर हो, मेरी बात देखो, फीस के मामले में जरूर देंगे. ना 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 मुन्ना ना, गलत बोल रहे हैं आप. सो साफ बात है, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट दोनों को, ब्रांच ऑडिटर दोनों को भेजता है. एक कॉपी किसको भेजता है? कंपनी को, एक कंपनी ऑडिटर को, स्टैट ऑडिटर जो आपका मेन है, और एक अपने पास रखता है. तीन कॉपीज है. आर वी क्लियर? सिंपल सी बात. 143 में भी ये पॉइंट आया था, वेदर द ब्रांच ऑडिटर हैज फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर एंड हाउ ही हैज डेल्ट विद इट इन हिज ओन रिपोर्ट. आपने ऐसे भी करा था 299, वहां पे भी ये बात आई थी रिगार्डिंग ब्रांचेस.
फिर आपने ऐसे 600 भी किया था, प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अनदर ऑडिटर, हर एक जगह से इस बात का प्रूफ है। नाउ लास्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑडिट। हां जी बिल्कुल ध्यान से, कॉस्ट ऑडिट बिल्कुल ध्यान से करना। चाय का भी वक्त होते जा रहा है, आप देख ही रहे हैं टाइम, ठीक है। हाँ 7 से 8 मिनट है अभी, अच्छा ठीक है, चाय अभी उबल रही होगी। हाँ जी अब ध्यान से फोकस करिएगा, कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148। कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? हाँ जी कौन कर सकता है? देखिए इसमें दो तीन बातें आपको याद रखने की है। पहली बात देखिए, तीन मेन बातें, देखो मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑडिट की तीन बातें जो आपको रिवाइज करनी चाहिए। पहली बात, कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है, नंबर वन। नंबर टू, कौन सी कंपनीज हैं जिनका कॉस्ट ऑडिट होना होता है, नंबर टू। नंबर थ्री, कौन एलिजिबल है कॉस्ट ऑडिट करने के लिए, आर वी क्लियर। एंड नंबर फोर, उसी में प्रोवाइजो, कौन नहीं कर सकता। ये चार बातें आपको मेन रिवाइज होनी चाहिए। पहली बात कौन सी, कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है, आइए सबसे पहले वही करते हैं। हाँ जी, इट इज एन ऑडिट प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ, बोलो जी, मटीरियल, लेबर और आइटम ऑफ कॉस्ट मेंटेन बाय द कंपनी। स्टूडेंट्स यही नहीं लिख पाते, यस स्टूडेंट्स यही नहीं लिख पाते। बेटा सब ठीक है, इतना गिरा हुआ क्यों हो रहा है? अच्छा मेरे को लगा तू गिर गया। अच्छा अच्छा ठीक है, डन, ओके। मेरे को लगा चेन रिएक्शन तो नहीं पास होना स्टार्ट हो गया वहां पे। हाँ जी है ना, ठीक है। वो ब्रह्मा जी के पास गया था, तू महेश जी के पास जा रहा है, अगला विष्णु जी के पास जाए, ऐसा कुछ हो रहा हो। राइट, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नहीं नहीं काफी प्रोएक्टिवली आपने लिखे अगले पॉइंट्स। कॉस्ट ऑडिट फिर से पढ़िए एक बारी सामने से, पढ़िए, बोलो जी पढ़िए एक बारी सामने से, नहीं बोलते हुए पढ़ना है, ऐसे मनी मनी पढ़ना। इट इज द ऑडिट प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एन, आगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ। पक्की बात, श्योर, डन है, ओके। चलिए अब बिना देखे बताइए, रुक जाओ, लास्ट ऑपर्चुनिटी दे रहा हूं, एक बार पढ़ लो मनी मन। हाँ जी क्लियर है, डन है, तो जरा बताइए। इट इज दी ऑडिटिंग प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, नहीं है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल मेंटेन रिगार्डिंग, आगे मटेरियल, लेबर और आगे ऑफ कॉस्ट मेंटेन बाय द कंपनी। पहले तो यही लिखना है, सेकंड लाइन इस पे दे रखा है, इट इज इन एडिशन टू द ऑडिट अंडर सेक्शन 143। सो स्टैट ऑडिट अलग है, कॉस्ट ऑडिट अलग है, पहला पार्ट डन। दूसरी बात कि किन कंपनीज का होगा, देखिए जिन कंपनीज को नोटिफाई करेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि आपको ऑडिट करवाने की जरूरत है। आपको पता है शायद टर्नओवर बेस्ड है, यस और नो, एनी आइडिया कि टर्नओवर बेस्ड है, कितना करोड़ है कुछ याद है? हाँ, रट्टे मार रखे है, 25, 35, 50 कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ जी कौन सा है बताओ, बोलो
कौन सी जो कंपनी टर्नओवर बेस्ड है, कुछ याद करिए कि टर्नओवर बेस्ड है, बताओ बेटे, शाबाश, गो अहेड। हाँ, और नॉन रेगुलेटेड, सही बात है। हाँ, यस, वेरी गुड। 100 लाख या करोड़? करोड़, करोड़। तो 25 और 35 से पहला किसके केस में? इंडिविजुअल रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड में 35 और 100 इंडिविजुअल आइटम्स जो मेंटेन कर रहे हैं उसके 25-25 करोड़, और ओवरऑल कितना? 35 करोड़ पहले में रेगुलेटेड में, और नॉन रेगुलेटेड में बताओ जी कितना? श्योर, दोनों मिलाकर। सो ये लिमिट्स हैं जिसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, सिंपल से कॉस्ट ऑडिट होगा या नहीं होगा। देखिए मेजरली क्या बताना चाह रहे हैं कि वो रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट क्यों करवाना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपली राइट करिए, अपने आपको करेक्ट करिए, भाई कॉस्ट ऑडिट कौन सी एंटिटीज का करवाने का फायदा है? जो अगर अपनी कॉस्ट बढ़ा दें तो ओवरऑल इन्फ्लेशन आ जाए इंडिया में, तो ऐसी कंपनीज का ऑडिट करवाना जरूरी है। सोच के देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जितनी भी है, इन सबका ऑडिट होना कंपल्सरी होना चाहिए। तो उनकी भी मेजर टर्नओवर्स वगैरह ले ली और उस बेसिस पे कॉस्ट ऑडिट कंपल्सरी कर दिया। दो क्वेश्चन हमारे अभी तक आंसर हो गए। थर्ड क्वेश्चन है, कौन ऑडिट कर सकता है? बताइए कौन ऑडिट कर सकता है? हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑन सच रेम्यूनरेशन एज वी बी डिसाइडेड बाय द मेंबर्स। इसे अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड करता है। रेम्यूनरेशन लेकिन कौन डिसाइड कर देता है? मेंबर्स। हाउएवर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो सकती है। अगली बात बस यहीं तक ही लिख देते यार, अब बेइज्जती कर दी हमारी। क्या लिख दिया? ये क्यों लिखा है क्या बता सकते हैं? हाँ, किसको? नहीं, सीए को तो कर ही नहीं सकते। यस, पहले अलाउड था, आपको याद हो जब मैं आपसे कॉस्ट ऑडिट पहले भी डिस्कस कर रहा था प्रोफेशनल एथिक्स में, वहां पे बात आई थी कि जो पहले का कंपनीज एक्ट था सेक्शन 233 कैपिटल बी, उसके बाद नोटिफाइड थी कि या तो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और इफ सीजीज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर नॉट इनफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स देन इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट सीएस को भी अलाउ कर सकती है। तो इस वजह से क्लैरिफिकेटरी आया। मोर ओवर एक और बात, भाई आप सीए भी हैं और सीएस भी हैं, दोनों के सीओपी हो सकते हैं आपके पास। आप जिस कंपनी का स्टैट ऑडिट कर रहे हैं क्या आप उसी का कॉस्ट ऑडिट करवाएंगे? नहीं। बट क्या आप दूसरी कंपनी का, आपने सीए की सीओपी छोड़ दी, आप सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं? दोनों बातों को क्लैरिफाई कर रहा है। कंपनी ऑडिटर नहीं कर पाएगा, भैया कंपनी ऑडिटर मतलब सीए, बट ये तो नहीं लिखा ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। दे हैव नॉट यूज द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे हैव यूज द वर्ड कंपनी का ऑडिटर। दैट मींस अगर आप एक सीए हैं बाय क्वालिफिकेशन लेकिन एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपके पास सीओपी है तो आप ऑडिट कर सकते, ये बात है यहां पे। आर वी क्लियर? तो ये चार पॉइंट आपको मेन कॉस्ट ऑडिट में याद होने चाहिए सेक्शन 148 के। 147 पेनल्टीज हैं, आई होप यू ऑलरेडी नो 147 की पेनल्टीज कंपनी पे और ऑडिटर पे, बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है लॉ। आपकी पेनल्टीज काफी हाई हैं, 1 लाख से 25 लाख तक पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ अनलिमिटेड पेनल्टी भी है, डैमेजेस और इंप्रिजनमेंट भी है। यस और नो? कंपनीज एक्ट के सबसे ज्यादा भयानक सेक्शंस दोनों ही एंडिंग विद 47 है, 447 एंड 147। आर वी क्लियर? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ कंपनी ऑडिट, और इसमें नॉन कंप्लायंसेस ये पढ़ने वाले हैं 147। एक समरी आपको यहाँ पे दे रखी है, देखिए टू बी ऑनेस्ट इसके आने के चांसेस बहुत कम है,
बट अगर आप गो थ्रू करना चाहे तो यहीं पर ही गो थ्रू कर लेना, डिफरेंस बिटवीन स्टैट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट. आपकी समरी में नहीं होगा, मैंने डिफरेंसेस नहीं डालता कभी भी समरी में, आई नेवर पुट इट. ठीक है, तो आपके पास जौन सी बुक से पढ़ रहे हो अगर उसमें हो तो जस्ट गो थ्रू करने वाला मैटर है वो, राइट, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. देन अगली बात, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन एक बार ही सामने से देख लीजिए, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली. कंपनी पर कितना होगा? 25,000 से, एंड ऑफिसर पे 1,00,000, सॉरी 1 साल तक. अगली बार 10,000 से 1,00,000 तक या फिर दोनों. ऑडिटर अगर कॉन्ट्रवेंशन करेगा तो कंपनी जितनी ही पेनल्टी है, पहले तो मैं दो दो बार याद करने की टेंशन नहीं लेता, अमाउंट सेम है, पक्की बात. लेकिन अब आई असली बात, दमाद ट्रीटमेंट खत्म, प्रोविजो लगते ही. अगर हमने इंटेंशनली कॉन्ट्रवीन करे हैं प्रोविजंस तो फिर हम पे इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन कितना लग जाएगा, वो जो अभी आपने 143(12) वाला करा था, 1,00,000 से 25,00,000 वाला. साथ ही साथ इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई साहब सिर्फ अंदर मत जाओ, जब जा ही रहे हो तो मोह माया त्याग दो ना, रेम्यूनरेशन वापस करो सारी जिनकी थी उनको वापस करो. और सबसे डैमेजिंग पॉइंट सेकंड आ रहा है, पे फॉर डैमेजेस टू द कंपनी ससुरी बॉडी सॉरी स्टैट्यूटरी बॉडीज और अथॉरिटीज और टू एनी अदर पर्सन फॉर एनी लॉज अराइजिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन द एआर. कोई भी अगर आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में गलत बातें दी हैं और उससे किसी को भी कितना भी नुकसान हुआ है, चाहे ब्रह्मा जी के पास ही क्यों ना जाना पड़े, यहीं पर तो फिर डैमेजेस हैं अनलिमिटेड हो गए नहीं हो गए, क्योंकि अमाउंट यहां पे कुछ नहीं दे रखा. इतना ही बोलते थे काफी था, वैसे ही डरे लोग हैं. उन्होंने बोला सीजीज पर्पस के लिए एक अथॉरिटी कंस्टिट्यूट करेगी टू रिकवर द डैमेजेस एज सून एज पॉसिबल. अच्छा ये बोल दिया. अगला पॉइंट तो बड़ा अच्छा है, चाहे आने वाली है उससे एक हल्के पॉइंट पे खत्म करे तो बड़ा अच्छा है. पढ़ो मत, जरा बताओ. हाँ जी, हम सब एक सीए फॉर्म है और हम सब पार्टनर्स हैं. हम 147 में हम लोगों ने कॉन्ट्रवेंशन करी है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में गलतियां करी है. ठीक है, हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है हम सब, LLP नहीं है सपोजिटली. ठीक, अब हम सबको 6 महीने की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और फाइन भी लगा है 50,000 का. बेटा आपका नाम? उत्कर्ष. नाउ जो हमारे प्यारे उत्कर्ष है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, हम सब भाग गए. पचास हजार इंटू, रुको, ये तो इनसे रिकवर हो जाएगा, पक्की बात. अभी इम्प्रिजनमेंट बताओ, क्या हम इसको बोलेंगे यार देख हम नहीं जा सकते, हमारी फैमिलीज भी हैं, तू या क्या इम्प्रिजनमेंट मल्टीप्लाई होगी? वो तो सब पे अपनी अपनी है, यही पॉइंट लिखा हुआ है यहां पे, जरा पढ़ के देख लो आप एक बार. तो फाइन तो रिकवर हो सकते हैं और फिर ऑफकोर्स उत्कर्ष हमसे भी रिकवर कर ही लेगा अगर हम मिल गए तो, लेकिन इंप्रिजनमेंट सबकी इंडिविजुअल है. क्रिमिनल लायबिलिटी अलग अलग, सिविल लायबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल. आर वी क्लियर? श्योर? सो हाँ, मैं भी उसी की वेट कर रहा हूँ, आ रहा है, जरूर आ रहा है, राइट. सॉरी नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है. हाँ जी बुला लो, बताइए. कॉस्ट ऑडिट की है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए. हाँ, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की वो जो मेंटेन, हाँ वो जो 25 करोड़ वगैरह की जो हम बात कर रहे थे, मैं वही आपके सामने एक्चुअली मैं रख रहा हूँ, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन इट बिकॉज नोट्स में है, डिस्कस कर लेते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है. कॉस्ट ऑडिट जो चैप्टर है उसमें आप देख लीजिए, उसमें आपको नजर आ जाएगा. कॉस्ट ऑडिट चैप्टर आपके समरी निकाल लीजिए प्लीज, कॉस्ट ऑडिट की वहां पे दे रखा है. हाँ मैं भी निकाल रहा हूँ बेटा.
हाँ जी, ये आपकी कुछ लिमिट थी शायद? यस, सो मिल गई आपको आपके तो कलर। हाँ, ये वाले जो नोट्स में आपके, यस दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू, ये पूरा रिवाइज्ड है मेरे पास। हाँ जी, आप एक बार स्टडी कर लीजिए जो लिमिट्स आपके पास लिखी हुई है, जो वॉल्यूम टू में लिखी हुई रखी हुई होंगी। पेज कौन सा बेटा? थैंक यू। हाँ जी, यस, हाँ जी, सो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, चाहे रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड हो, ग्रॉस टर्नओवर फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कुल मिला के कितना है? 35 crores, राइट, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। बिल्कुल, ये टोटली अप टू डेट है, बिल्कुल अप टू डेट है ये, राइट। देखिए, हो सकता है आपने कोई टेबल शेबल पढ़ा हो, लेकिन ये कॉमन है, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए है। तो पहली बात तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, तो वो दोनों में कॉमन लिमिट रखी गई है। कितनी हो गई? 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग दी इमीडिएटली प्रीसीडिंग, दैट मींस ईयर एंड पे ही देख रहे होंगे बेसिकली ये। अब आ रही है ऑडिट की बात, रेगुलेटरी के केस में कम से कम, देखिए अगर मल्टीपल प्रोडक्ट वाली कंपनी है, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ कंपनी फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 crores, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, हर एक प्रोडक्ट, दो तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कम से कम हर एक में 25 CR होनी चाहिए। आर वी क्लियर? तब जाके होगा सर। अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे तो ऑफ कोर्स फिर तो ये भी लिमिट 50 ही हो जाएगी ना। अगर मैं सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही बना रहा हूं तो फिर तो मेरा 50 ही, ये भी 50 होना पड़ेगा ही, एंड ऑब्वियसली तभी ये मीट हो पाएगा। फिर तो ये मेरे लिए सेकेंड कंडीशन इमटीरियल हो जाएगी। सोच के देख लीजिए। तो मुझे पहली बात तो बताइए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 करोड़, चाहे रेगुलेटेड हो या। अब बात आई कि अगर रेगुलेटेड है सेक्टर, रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल। उस केस में ऑडिट कब होगा? अगर सारे गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह सबसे मिलाकर मेरी कम से कम टर्नओवर पूरी कितनी आ रही हो एनुअल टर्नओवर 50 crore, एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट से कम 25 ही आ रहा है, तब काम होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में सिर्फ चेंज कितना है? यहां पे डबल है, यहां पे 35 CR है, राइट। क्या हम एग्जाम में एज इट इज प्रेजेंट कर सकते हैं? यस। नीचे आपके सामने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग एज टर्नओवर क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 9 ऑफ MSMEIs डेवलपमेंट आई, आपका पूरा एक्ट है, शॉर्ट में लिख सकते हैं MSME, समझते हैं माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत कोई कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। वो अभी भार नहीं डाल रहे आप पे कि आप बहुत ही छोटी एंटरप्राइजेज हैं, आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। आज सपोजली आप सेटअप करते हैं और आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आज ही आप पे भार डाल दे? नहीं, जबकि आप रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं तो भी आप पे ये भार नहीं डालेंगे, ठीक है? ओके, हाँ जी। सो फ्रेंड्स, देयर वी आर, ये एक आप यहां से टॉपिक कर सकते हैं। अब चाहे तो आप इसको एज इट इज वहां पे भी यूज कर सकते हैं कॉस्ट ऑडिट में। आर वी क्लियर? बिकॉज हमें पता है कि कॉस्ट ऑडिट में अगर कुछ है ले देकर, राइट, मेन बात यही है। सो हाँ जी, टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स एंड वी कंटिन्यू।